हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर बाय इंस एकेडमी। अभी थोड़ा सा नेट का इशू था, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। आई थिंक अब सब कुछ क्लियर है, आवाज भी क्लियर आ रही होगी। तो जैसा कि हमारा जो पेपर हुआ था एसएससी का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, उसको यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन इज आर ऑफ 1 मार्क्स। और ये पेपर था इस पेपर को, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन, If the plane table is not horizontal, बोल रहे हैं कि अगर plane table horizontal नहीं है, जो question है ये survey से है, induction at a right angle to the elided, elided के right angle पे नहीं है, the line of sight is parallel, जब पर जो line of sight जो है वो क्या है, parallel है fiducial edge की, जो diagram से समझा जा सकता है कि ये आपका एक plane table है और ये जो plane table है इसके ऊपर एक elided का use किया जाता है जिससे अपन object को देखेंगे। Suppose किया कि ये एक एलिडेड है, ये स्केल होती है, फिड्यूशियल एज होती है, यहाँ पे होता है आपका वेंस लगी होती है, एक होता है आईपीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव, जहां से आप देखेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को देखेंगे वहां आप क्या करेंगे, शीट के ऊपर उस पॉइंट को मार्क कर देंगे और डिस्टेंस को आप नोट कर देंगे। ये होता है आपका प्लेन टेबल। ये एक तरह से रफ सर्वे है आपका और टाइम कंज्यूमिंग सर्वे भी नहीं है, जो भी आपकी कैलकुलेशन है और आपकी रीडिंग है सब कुछ यहाँ पे नोट हो जाती है। लैब में जाके कोई काम नहीं करना, जो भी काम है वो ऑन साइट फील्ड पे ही होता है इसके अंदर। तो ये बोल रहा है जो एलिडेट जो है इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल, ये राइट एंगल पे नहीं है, किसी एक सर्टेन एंगल के ऊपर है ये आपका एलिडेट। बट बोल रहा है आगे साथ के साथ, द लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल, जो लाइन ऑफ साइट वो पैरेलल है फिड्यूशियल एज के, तो इस कंसिडरेशन के अंदर द लाइन ऑफ साइट इज डाउनवर्ड, इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ साइट क्या होगी, वो डाउनवर्ड की तरह शो करेगी। तो इसका मैंने कई जगह आंसर भी देखा, तो आंसर कई जगह आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल साइट भी होगा, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो इंक्लाइन साइड डाउनवर्ड जो है, इसका आंसर है वो इंक्लाइन साइड डाउनवर्ड सी है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, कि इमेजिनरी लाइन है वो क्रॉस हेयर से पास कर रही है, एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्रॉस हेयर और ऑब्जेक्टिव के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है, तो कई जगह इसको लाइन ऑफ साइट लिखा है, पर इन दोनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउनहिल ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी, कि डाउनहिल की तरफ उनको बेटर एक्यूरेसी चाहिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपको जैसे बात करेंगे, जैसे स्लोप बढ़ेगा, सपोज क्या ये एक स्लोप है, इसको मैंने बोला ये थीटा वन है, सेकेंड स्लोप जो है ये आपका थीटा टू है, तो स्लोप कौन सा ज्यादा है, थीटा वन ज्यादा है, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। जैसे स्लोप बढ़ता है, स्लोप के बढ़ने के साथ साथ जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे और एक डिस्टेंस क्या होगी वो इसमें ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, मतलब जैसे स्लोप बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगी, तो आंसर क्या है, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ स्लोप, के स्लोप के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं है, ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको उसमें न्यूमेरिकल से अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, द एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस, एक स्लोपिंग सरफेस है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी मीन हाइट जो है आपका डी दे रखी है, एंड द साइड स्लोप एस इज टू वन आपको साइड स्लोप देगा, जिसकी लेंथ क्या है आपकी एल है, तो देखते हैं इसका। ये बोला है कि ये आपका एक स्लोपिंग सरफेस है, ये स्लोपिंग ग्राउंड है, इसकी आपको एरिया फाइंड आउट करना है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। ठीक है, इसका जो डेप्थ है, ये जो हाइट बोले वो आपकी है डी है, साइड स्लोप जो देखा एस इज टू वन का स्लाइड स्लोप आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया सरफेस का एरिया क्या होगा। तो इसको अपन ने साइड स्लोप है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एस इंटू डी हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, एस इंटू डी या एस डी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस ए बी कितना होगा, तभी तो आप इसका एरिया निकाल पाएंगे, तो ए बी के लिए सिंपल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर की बात करें तो हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो ये मैंने लिख दिया ए बी परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सा है आपका डी स्क्वायर प्लस बेस मतलब एस डी का होल स्क्वायर। अगर बात करें कि ए बी वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एस डी का
होल स्क्वायर, एस डी का होल स्क्वायर, ये हो गई आपकी ए बी की वैल्यू इस स्लोपिंग सरफेस की वैल्यू, जो ए बी की वैल्यू किसकी वैल्यू है, इस स्लोपिंग सरफेस की वैल्यू आ गई, ये कितना होगा डी स्क्वायर प्लस एस डी का होल स्क्वायर। अब बात करें कि इसका एरिया निकालना है, तो ये प्रोजेक्टेड है इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर, और ये कितना है, ये एल लेंथ प्रोजेक्टेड है, ये लेंथ कितनी है आपकी, एल प्रोजेक्टेड है इनवर्ट डायरेक्शन में, आपको फाइंड आउट क्या करना है इसका एरिया। अब ये कैसे कंसिडर करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉडी है तो रेक्टेंगुलर बॉडी का एरिया होता है L into B होता है, बिल्कुल सभी को पता है कि L into B होता है, जो आपकी लेंथ है वो लेंथ ही रहेगी, और जो विड्थ है विड्थ में क्या आ जाएगा, ये आपका AB आ जाएगा, और AB की जगह आपने क्या लिखा अंडर रूट, जो भी आपने वैल्यू निकाला SD का होल स्क्वायर, यहां से आपका निकल के आ गया ये एरिया। अभी आंसर आपका खत्म नहीं हुआ, इसमें से जो कॉमन लेना है वहां पे क्या सिंप्लीफाइड आंसर दे हुआ, तो कॉमन जो ले सकते हो D स्क्वायर ले सकते हो, L D प्लस एस स्क्वायर, तो एरिया का जो आंसर है वहां पे कुछ फॉर्म के अंदर देता है आपका आंसर, एरिया इज इक्वल टू एल डी अंडर रूट वन प्लस एस स्क्वायर। अब अपन क्वेश्चन में अपन देखें, तो ये रहा आपका आंसर एल डी वन प्लस एस स्क्वायर, तो ये आंसर नंबर सी है एल डी वन प्लस एस स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल था जिसको आपको सॉल्व करना है, काफी छोटा सा न्यूमेरिकल था, बस समझना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द कैनाल नॉर्मली यूज्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर, ये फ्लड आने के ऊपर इनमें से इन फोर ऑप्शंस में से कौन सी कैनाल आप प्रिफर करते हैं, तो इन अंडेशन कैनाल जो होती है बनाई जाती है कि जब आपका फ्लड आता है तो उस एक्सेस वाटर, यदि बात करेंगे डिजाइन डिस्चार्ज आपका क्यू है, और अगर बात करें जब फ्लड आया तो डिस्चार्ज हो गया क्यू वन, तो ये एक्सेस वाटर है इस क्यू वन को, इस क्यू वन जो एक्सेस वाटर है इसको कैरी करने के लिए कैनाल बनाई जाती है, इसको बोलते हैं इनअंडेशन कैनाल। ठीक है, इसी तरह से अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द रिडक्शन इन फ्लो वेलोसिटी इन अ डाइक्ड रिवर, ये होती है एक डाइक्ड रिवर और एक होती है अनडाइक्ड रिवर, तो पूछ रहा है कि फ्लो वेलोसिटी कंपेयर करो डाइक्ड और अनडाइक्ड रिवर की, तो क्या होगी, तो बात करें डाइक्ड रिवर की, डाइक्ड रिवर के अंदर क्या होता है, अपन एक डाइक्स पार्ट कर जब वाटर आएगा तो ये क्या करेगा वेलोसिटी को कम करेगा, तो एज कंपेयर टू अनडाइक्ड रिवर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है लेस होती है, वेलोसिटी क्या होगी आपकी लेस होगी। अब आते हैं अपन सेवंथ पे, सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेवंथ क्वेश्चन है द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्निशंस ऑफ एरिया, ठीक है, तो इनमें से लेवलिंग का कौन सा मेथड अपन यूज करेंगे रिकॉग्निशंस, रिकॉग्निशंस का मतलब होता है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, रिकॉग्निशंस का क्या मतलब है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, तो प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर कौन सा लेवलिंग का मेथड यूज किया जाएगा, रिकॉग्निशंस का मतलब है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, तो इसके अंदर अपन यूज करेंगे फ्लाई लेवलिंग, तो सिंपल सा है, ठीक है, तो सिंपल सा है द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्निशंस, प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर कौन सा फ्लाई लेवलिंग का यूज किया जाएगा। इसी तरह से अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर एट, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ जो क्वेश्चन है जो आप समझ रहे हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ट्रू मेरिडियन बात हो रही है सर्वे की, सर्वे में पूछ रहा है ट्रू मेरिडियन इनमें से किस पॉइंट को एक एक्यूरेट बताएगा, आर पैरेलल टू ईच अदर, नो कभी ट्रू मेरिडियन पैरेलल नहीं होता, अब पहले बात करें ट्रू मेरिडियन होता क्या है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ इनको बोला जाता है ट्रू मेरिडियन, ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक और एक होता है ट्रू, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, जब ये कन्वर्ट करेंगे एक पॉइंट पे, जब आके मिलेंगे कहां पे मिलते हैं पोल पे, ये पोल पे क्या हो गया आके मिल जाए कन्वर्ज एट अ पॉइंट, उसको क्या कहा जाता है पोल, तो ट्रू मेरिडियंस आर कन्वर्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पोल, तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन की, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप, एक ऑब्जर्वर डेक पे खड़ा है शिप की, और ए सी द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, किसी एक लाइट हाउस को वो वहां से देख रहा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी एक लाइट हाउस को मैं वहां पे सी कर रहा हूँ, विच इज 30 मीटर, कितना है 30 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, उस सी लेवल से कितना 30 मीटर अबाउ है, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आई इज 10 मीटर अबाउ द सी लेवल, जो हाइट जो है ऑब्जर्वर की आई की वो 10 मीटर है सी लेवल से ऊपर, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस विल बी नियर दी, तो कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है आपका कि लाइट हाउस पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो किसको देख रहा है,
शिप पे खड़ा है और वो लाइट हाउस को देख रहा है, तो क्या उसका डिस्टेंस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये आपकी शिप है, इस शिप की डेक पे खड़ा है और ये क्या है, आपका सी लेवल है और ये एक आपका लाइट हाउस है और यहाँ से वो लाइट हाउस को देख रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। और यहाँ से जो हाइट है वो है 10 मीटर और ये सी लेवल से है ये आपकी 30 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से ऑब्जर्वर से लेके इस लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू होता है d1 + d2। फर्स्ट d1 जो है वो है ऑब्जर्वर की आई के लिए और सेकंड जो है उस लाइट हाउस के लिए। तो इसका फॉर्मूला होगा h1/0.0673 का अंडर रूट प्लस h2/0.0673 अब का अंडर रूट। इन दोनों को सम करना है। अब इसमें h1 क्या है, तो h1 आप ले लो, h1 इज इक्वल टू 10 मीटर पुट करना है और h2 आपको क्या पुट करना है, 30 मीटर पुट करना है। तो एक यहाँ पे आपने पुट किया 10 मीटर और यहाँ पे पुट किया आपने 30 मीटर। तो यहाँ से जो आंसर निकल गया डी, ये डिस्टेंस आ जाएगा उस ऑब्जर्वर से उस लाइट हाउस का डिस्टेंस क्या होगा। तो इस तरह से अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर जो है वो आप सॉल्व कर, आंसर आपका निकल गया आंसर नंबर सी 33.3। ये जो आंसर है वो निकल जाएगा 33.3। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर्ड रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 80 मीटर। किसी एक सर्किल का रेडियस वो 80 मीटर है विद अ पॉसिबल एरर इज 0.05। इसमें बोलता है एरर है वो डायमीटर के अंदर एरर है, ये एरर है 0.05 इन डायमीटर, द एरर इन द कंप्यूटेड एरिया। तो पूछ रहा है कि एरिया के अंदर एरर कितनी होगी, आपको कंप्यूट करना है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को अपन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया तो क्वेश्चन क्या बोला था आपका कि एरिया बात करें सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या, π/4 ऑफ d² है। इसको डिफरेंशिएट किया, dA इज इक्वल्स टू 2d into dd, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ आपका डायमीटर। अब आपका जो एरर दे रखा है डायमीटर के अंदर वो एरर कितना है, वो दे रखा है 0.05 मीटर। क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है और रेडियस है आपका 80 मीटर रेडियस, डायमीटर कितना हो जाएगा 160 मीटर। आपको पूछ रहा है कि एरिया के अंदर एरर कितना होगा, तो dA/A, ठीक है, तो dA क्या हो गया आपका π/4 2d into dd, ठीक है, ये हो गया डायमीटर का, डिवाइडेड बाय एरिया π/4 ऑफ d² तो π/4 से π/4 कैंसिल, एक d² से एक d कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 del of d divided by d। अब आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे डायमीटर के अंदर जो आपकी एरर है वो है आपका 0.05 और डायमीटर कितना है 160। यहाँ से जो आंसर निकालोगे वो आपको एरिया का एरर फाइंड आउट हो जाएगी। तो अपन आते हैं आंसर के अंदर, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 12.6 मीटर स्क्वायर। जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर सी 12.6 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर। ऑब्जेक्टिव है सीधा, एक डोमेस्टिक सीवर पाइप का डायमीटर, जब ग्रेडियंट एक टेबल होती है ग्रेडियंट वर्सेस डायमीटर ऑफ सीवर की, अगर ग्रेडियंट जो 1:100 है तो डायमीटर होगा 150 mm, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इसी तरह से अपन आते हैं नेक्स्ट पे, द एक्सपेक्टेड टर्न आउट फॉर द अर्थ वर्क। ये आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन है, अर्थ वर्क इन एक्सकर्शन ऑर्डिनरी सॉइल, ये बोल रहा है ऑर्डिनरी सॉइल को एक्सकर्शन करने के लिए पर मजदूर पर डे के अंदर कितना एक्सकेवेट कर सकता है, मीटर क्यूब के अंदर आता है इसका आंसर। तो ऑर्डिनरी सॉइल के लिए जो होता है वो 3 होता है, अगर बात करें आपका सॉइल के लिए तो 4 होगा, ऑर्डिनरी सॉइल के अंदर 3 होता है, कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए 2 होता है और रॉक के लिए 1 होता है। चारों ऑप्शन आपको गिवन है, ये होता है आपका नॉर्मली जो सॉइल होती है उसके लिए, ये आपकी ऑर्डिनरी सॉइल के लिए होता है, ये कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए होता है और ये होता है आपका रॉक के अंदर। आपको पूछ सकता है ऑर्डिनरी सॉइल, ये वर्ड याद रखना है, ऑर्डिनरी सॉइल के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी 3 मीटर क्यूब। ये सीधा सा है आपका क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन। कॉन्ट्रैक्ट ये जो है आपका QSV से क्वेश्चन है, ठीक है, एस्टिमेशन से ही क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में एक वैलिड
इन लॉ, ठीक है, एक आपका साइन होता है उस डॉक्यूमेंट, उसमें दो पार्टीज के बीच में जो सहमति होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको ये काम उसको करके देना है उस फिक्स सर्टेन समय के अंदर। अब आते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, द सेटलमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट सेटल हो रहे हैं टुवर्ड्स द बॉटम, बॉटम में स्कम प्राइसिंग, ये वर्ड याद रखना है, स्कम प्राइसिंग टुवर्ड्स द सरफेस, स्कम सरफेस पे आ रहा है। तो एक डेफिनेशन है, ब्लीडिंग का मतलब तो अपन जानते हैं कि उसके अंदर वाटर कम आउट सरफेस, उसको बोलते हैं आपके कॉन्क्रीट में से अगर वाटर सरफेस पे आ जाता है उसे बोलते हैं ब्लीडिंग। कैपिलरिटी में से वाटर क्या होगा, आपका कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा आपका अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, लेटेंसी बोलते हैं, ये जो है ये लेटेंसी से रिलेट करता है कि यदि सेटलमेंट हो रहा है कोर्स एग्रीगेट का टुवर्ड्स द बॉटम विद स्कम राइजिंग टुवर्ड्स द सरफेस इज नोन एज लेटेंसी, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लेटेंसी। अब आते हैं एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर बिक, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, यदि बोलता है मॉड्यूलर बिक तो साइज होती है आपकी ये वाली, ठीक है, ये बोल रहा है एक्चुअल साइज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, तो इसका आंसर 19x9x9, और जनरली अगर मॉड्यूलर ब्रिक बोलता है तो आंसर होगा 20x10x10, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपका बीएमसी से क्वेश्चन है और बॉन्ड से क्वेश्चन है, टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ रहा है, इन विच एवरी कोर्स कंटेनिंग बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर, कोर्स होता है एक लेयर को बोलते हैं आपका कोर्स, हर एक कोर्स के अंदर हेडर भी हो और आपका स्ट्रेचर भी हो, स्ट्रेचर भी हो, तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, फ्लेमिश बोर्ड में। इंग्लिश बोर्ड में क्या होता है, हर एक कोर्स या तो पूरी हेडर होगी फिर स्ट्रेचर होगी फिर हेडर होगी फिर स्ट्रेचर होगी, फ्लेमिश बोर्ड में एक ही कोर्स का मतलब ये एक कोर्स, इस लाइन को बोलते हैं कोर्स, इसमें हेडर स्ट्रेचर अल्टरनेट होंगे, इसे कहा जाता है आपका फ्लेमिश बोर्ड। नेक्स्ट आते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका बीएमसी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट, इन फोर जो आपको ऑप्शन इन चारों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है पेंट का, आयरन ऑक्साइड बिल्कुल होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है टर्पिन का तेल ये भी होता है, लिंसिड ऑयल भी होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है पेंट के अंदर, आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। सर आप कमेंट लेंगे, फ्लेमिश बॉन्ड लेटेंसी, ठीक है, साउंड गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट है आपका द टाइम इंटरवल ऑफ क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक जो है आपका एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, इसका टाइम इंटरवल पूछा जा रहा है, शुड नॉट बी मोर देन, ये वर्ड याद रखना है कि शुड नॉट बी मोर देन, ये जनरली 3 ईयर्स होता है, ठीक है, बट इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो अपन क्या मान के चलेंगे 5 ईयर्स, टाइम जो इंटरवल था सेप्टिक टैंक को क्लीनिंग करने का तो वो आपका होता है 5 ईयर्स, मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा है ये। अब आते हैं ट्रैप्स पे, नंबर 19, ट्रैप्स जो है ये आपके एनवायरमेंट से ही क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन आया आपके एनवायरमेंट से, इसको बोलते हैं ट्रैप, ट्रैप यूज्ड इन इंडियन वाटर क्लोजेट, WC वाटर क्लोजेट के अंदर यूज होने वाला ट्रैप कौन सा होता है, ये आपका वाटर क्लोजेट है और यहाँ से आप ट्रैप जिसको कनेक्ट कर रहा है और ये मोटी वाटर सील जो फाउल गैसेस को एंटर नहीं होती, इसको पानी जो बनाए रखती है इसको बोलते हैं वाटर सील। ट्रैप किस शेप का टाइप का होता है, ये पी ट्रैप होता है, इसका शेप होता है पी नेचर का, ऐसा है ये पी और ये आपका है वाटर क्लोजेट, तो इसको बोलते हैं पी ट्रैप, तो वाटर क्लोजेट में यूज होने वाला ट्रैप कौन सा होगा, पी ट्रैप ऑलवेज। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी क्वेश्चन है एनवायरमेंट से, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन एनवायरमेंट से, टू सस्टेन हाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, के वो पाइप बताओ कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट सीवर मटेरियल, के पाइप बनाया जाए, इन चारों में से किसका सीवर का पाइप बनाया जाए जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर दोनों वो क्या करे बियर कर सके, तो ऐसा पाइप अगर बात करें कास्ट आयरन पाइप, बिल्कुल कास्ट आयरन पाइप ही इसका आंसर है, ये क्या होता है बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को बियर करता है। स्टील पाइप क्यों नहीं है, इसका भी रीजन बताते हैं, स्टील पाइप इसलिए नहीं है क्योंकि स्टील पाइप केवल इंटरनल प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। वर्टिफाइड क्ले पाइप, वर्टिफाइड क्ले पाइप और आरसीसी पाइप, ये दोनों पाइप जो है वो सीवर के अंदर यूज होते हैं, सीवर जो डोमेस्टिक वेस्ट को प्रिफर करती है और ये ब्रिटल नेचर के होते हैं तो इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। स्टील पाइप जो होता है ये आपका सोर्स से लेके ट्रीटमेंट प्लांट तक वाटर को लाने के लिए इस्तेमाल होता है, और CI पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों को ही क्या करता है ये
बीएन का था, इसका आंसर क्या आपका सी, सी आंसर एप्रोप्रिएट आंसर है, सभी का आपको रीजन पता चलेगा कौन सा पाइप कहाँ यूज होता है। इस तरह से अपन आते हैं द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट M25 ग्रेड कंक्रीट दे रखी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका आरसीसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 इज फ्रॉम आरसीसी। रेशियो की बात कर रहा है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना था जी, आपको पता है 0.7 अंडर रूट FCK, 0.7 अंडर रूट FCK डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी होता है आपका FCK, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो FCK कितना है आपका 25 है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार, आपको आएगा समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब आते हैं अपन, ये रेशियो पूछ रहा है आपका 0.7 अंडर रूट FCK डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK, और आपको ग्रेड दे रखी है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो 0.7 अंडर रूट 25 अपॉन में 25, तो ये क्या हो गया 0.7 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 25, जो कट किया ये हो गया 5, ये हो गया आपका 10। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखते हैं वहां पे, तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, सिंपल सा है, तो ये आएगा 0.14, ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सी ऑप्शन है इसका 0.14, ठीक है। तो सिंपल सा था कि 0.7 अंडर रूट FCK को आप डिवाइड कर देना FCK से, जो आंसर आएगा रेशियो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, वो आंसर है 0.14। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है सर, पूछा तो सीवर का था, सीवर में ही यूज होते हैं सारे पाइप जो यूज होते हैं सीवर में यूज होते हैं, ठीक है, बट वो मटेरियल की पूछ रहा है कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा, ठीक है। प्रभात सिंह सीवर की बात करी है, बिल्कुल। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच मेथड ऑफ क्योरिंग, क्योरिंग की मेथड की बात कर रहा है, ये बीएमसी से क्वेश्चन है कि क्योरिंग के लिए अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, सारे मेथड्स है आपकी क्योरिंग के ऑफ कंक्रीट इन रिकमेंडेड फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ क्या हो रैपिड जल्दी से गेन हो जाए, तो उनमें से कौन सा मेथड की बात करेंगे, तो स्प्रिंकलिंग मेथड मतलब पानी को उसको छाटना, मेम्ब्रेन क्योरिंग, एक आपको एक जूट का बैग लगा दिया उस मेम्ब्रेन से आप उसको क्योर कर रहे हो, हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग, ये है आपका आंसर। जब आपको रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए तो उसमें मेथड यूज होता है हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग, भाप के द्वारा क्या करते हैं उसको क्योर करते ताकि फटाफट पानी रिमूव हो जाए और रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जल्दी अचीव हो जाए डिजायर्ड टाइम इंटरवल से पहले। जनरली कहाँ प्रीफर कर जाते हैं, यहाँ पे कोल्ड एरियाज होते हैं वहां पे जहाँ पे मॉइस्चर क्या हो इजीली रिमूव नहीं होता उस कंक्रीट के अंदर, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बीएमसी से, क्वेश्चन नंबर 23 बीएमसी, ठीक है सर पूछा तो सीवर का था, ये हो गया डन हो गया। अब आते हैं डेटम टेम्परेचर फॉर मैच्योरिटी बाय फ्लोमैन प्रोसेस, ये प्रोसेस है फ्लोमैन, इस फ्लोमैन प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी होती है कंक्रीट की मैच्योरिटी, उस टाइम में टेम्परेचर डेटम का टेम्परेचर कितना माइनस का 11.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये टी जो है इसका आंसर है फ्लोमैन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो मैच्योरिटी होगी कंक्रीट उसमें डेटम टेम्परेचर जो होगा टेम्परेचर कितना मेंटेन होता है माइनस का 11.7 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 24 पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोनाइजेशन, कार्बन को रिमूव करना उसको बोलते हैं डी कार्बोनाइजेशन ऑफ पिग आयरन कंप्लीटली एंड देन एडिंग प्रॉपर परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि क्या किया पहले कार्बन आपने रिमूव कर दिया उस पिग आयरन में से और एक एप्रोप्रिएट परसेंटेज जितना आपको डालना है, आपको डक्टिलिटी मेंटेन करना है या स्ट्रेंथ के लिए डालना है, जितना भी आपको डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एक प्रॉपर परसेंटेज में जब आपने ऐड किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इसको कहा जाता है सीमेंटेशन प्रोसेस, प्रोसेस का नाम होता है आपका सीमेंटेशन प्रोसेस। माइनस 11 डिग्री, 11 बिल्कुल सही है, माइनस 11.7 डिग्री होता है अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट से, वन सीवर हैज डायमीटर 300 mm, के एक सीवर का डायमीटर है 300 mm एंड अनदर सीवर, एक और दूसरी जिसका डायमीटर है 600 mm, व्हेन बोथ रन हाफ फुल, दोनों ही क्या है हाफ फुल, ये आपका टोटल है डेप्थ और ये कितना डेप्थ पे फ्लो कर रही है, ये D/2 पे ये सीवर फ्लो कर रहा है, दोनों ही हाफ फ्लो पे फुल फ्लो कर रहे हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है ऑफ टू पाइप्स, स्लोप ऑफ द पाइप इज सेम, दोनों का स्लोप क्या है सेम है। तो अब बनाते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मैनिंग्स फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/n r^2/3 और s^2, ये आपका मैनिंग्स फॉर्मूला, इस मैनिंग फॉर्मूले का यूज करके अपन इसको फाइंड आउट करते हैं।
दो सीवर है तो मैंने बोल दिया एक वेलोसिटी v1 हो गया, वेलोसिटी v2 हो गया, डायमीटर दोनों का गिवन है, एक आपका 300 mm और एक है आपका 600 mm, ये दोनों क्या है, ये मैंने बोल दिया ये t1 है और ये t2 है। अब बात जो आ रही है वो है 1 अपॉन n r की पावर 2/3 s की पावर हाफ, तो ऑब्वियस हो गया 1 अपॉन n r की पावर 2/3 s की पावर हाफ, स्लोप सेम था, स्लोप सेम हो गया n, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट कट गया तो यहां से क्या बच गया, v1 अपॉन में v2 इज इक्वल्स टू r / r की पावर r1 / r2 की पावर 2/3। r क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये होता है a/p, ठीक है, तो यहां से आपका डायमीटर निकल के आएगा, तो डायमीटर का रेशियो देखें तो v1 / v2 इज इक्वल्स टू d1 / d2 की पावर 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट सा आंसर है d1 / d2 की पावर 2/3 है, और डायमीटर आपको गिवन है कितना 300 डिवाइडेड बाय 600 की पावर 2/3, तो यहां से कट किया तो क्या हो गया 1/2 की पावर 2/3, तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखते हैं अपन इसका आंसर उसमें होगा आपका, तो ये रहा आपका आंसर, ये बोल रहा है ये रहा सी आंसर जो है वो आपका है 1/2, 1/2 कहां से है, अभी आपने सॉल्व किया था 300 डिवाइडेड बाय 600 की पावर 2/3, उस मैनिंग्स फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो बाकी सभी क्वेश्चन आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। अब आते हैं अपन 26th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26th जो क्वेश्चन है ये आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, एनवायरनमेंट में बोल रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए, और दोनों ही क्या है, एक आपको वॉल दे रखे हैं कि कौन कौन से वाल्व्स यूज होते हैं, उनका काम क्या है। सबसे पहले बात करें कि जो आपने को पता है इनमें से, जैसे बात करें चेक वेल एक ही डायरेक्शन में पानी को फ्लो करता है, ये रेगुलेट करता है एक डायरेक्शन में ताकि बैक वाटर को नहीं आने देता है, स्कोर वेल इमरजेंसी रिपेयरिंग के अंदर पानी को ड्रेन आउट करता है, तो कुछ इस तरह से अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करें चेक वेल, सभी को पता है कि चेक वेल का क्या यूज है, तो चेक वेल जो होता है प्रिवेंशन और रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो मैंने लिख दिया ए बी सी और डी, तो चेक वेल का अपन क्या लिख सकते हैं, प्रिवेंशन और रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइपलाइन, के एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, रिवर्सिबल में क्या करता है, उसको रोकता है, तो इसका आंसर क्या होगा डी का 1, तो डी का अपन ने 1 लिख दिया, बिल्कुल सही। स्कोर वेल का क्या होता है, इमरजेंसी या मेंटेनेंस पर्पस के अंदर वाटर को ड्रेन आउट करता है उस पाइपलाइन से, तो ड्रेनेज ऑफ एम्प्टी पाइपलाइन सेक्शन, तो सी का क्या हो गया 4 हो गया, यहां से अपने को कुछ आइडिया मिल सकता है, 4 देखिए 4 और 1, तो सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1, ये रहा बिल्कुल अपना आंसर हो चुका है सॉल्व लगभग, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। बाकी दो वेल को भी डिस्कस करते हैं अपन, बाकी दो वेल क्या है आपके, बटरफ्लाई वेल, जो बटरफ्लाई वेल होता है उसका काम क्या होता है, वो काम होता है रेगुलेट और स्टॉपिंग द फ्लो इन लार्ज साइज कंट्री, रेगुलेट करता है स्टॉप करता है। बात करें नेक्स्ट सर्च जो होता है वो आपका करता है वाटर हैमर को कंट्रोल करता है, 3, 2, 4, 1 जो ऑप्शन नंबर है बी इसका एप्रोप्रिएट आंसर है, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27, अ सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर प्रोसेसेस एंड एवरेज फ्लो मीटर क्यूब पर, मतलब एक तरह से डिस्चार्ज गिवन है आपको, क्वेश्चन में डिस्चार्ज गिवन है और फ्लो रेट गिवन है आपको, बोल रहा है फाइंड आउट डायमीटर ऑफ द क्लैरिफायर, ये डी की वैल्यू निकालनी है किसके अंदर, मीटर के अंदर आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द क्लैरिफायर, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, करते क्या है सिंपल से, अगर बात करें कि क्यू इज इक्वल टू ए वी वाला फॉर्मूला जो सभी को पता होता है, तो आपको निकालना क्या है, एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि आपका डिस्चार्ज और वेलोसिटी और फ्लो रेट है, तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द ओवर फ्लो रेट, ये आपको क्या दे देगा, आपको एरिया दे देगा, तो इसको सॉल्व किया जाए, तो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, आपको q इज इक्वल टू ए वी वाला फॉर्मूला यूज करना है, और यहाँ से एरिया जब निकालना है आपको, डिजाइन डिस्चार्ज और ओवरफ्लो रेट गिवन है, दोनों को डिवाइड करने के यहाँ से एरिया निकल जाएगा, जब एरिया निकल गया तो एरिया की जो भी वैल्यू आएगी उस एरिया की वैल्यू को क्या कर दोगे, पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर, यहाँ से डी की डायमीटर की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, जो डिस्चार्ज है आपका डिस्चार्ज पुट करना है और आपको वेलोसिटी या सरफेस ओवरफ्लो रेट पुट करनी है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्लियर आपका क्वेश्चन, यहाँ से जो आंसर आप निकाल के देखिएगा, ये आपका डिस्चार्ज है 5002 मीटर क्यूब पर डे
और ये मीटर क्यूब पर डे और ये मीटर क्यूब पर डे कट गया मीटर स्क्वायर, यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, उस एरिया को इक्वेट कर देना पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर से, तो वहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, डायमीटर निकल के आ जाएगा 27। इसका आई थिंक आंसर होगा 12.5 होगा, चेक कर लीजिएगा सॉल्व करने के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किससे है, एरोबिक एनवायरनमेंट नाइट्रोसोमस कन्वर्टेड, एरोबिक एनवायरनमेंट के नाइट्रोसोमस जो कन्वर्ट करते हैं वो अमोनिया से NO2 में नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो NH3 to NO2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 28 का जो आंसर है वो आपका है ए, सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। माइका, ये वापस क्वेश्चन आ गया आपका बीएमसी से, बीएमसी में पूछ रहा है माइका का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है रॉक है, उस माइका रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो फॉइलेटेड, फॉइलेटेड का मतलब जिसमें लेयर बाय लेयर होता है, जैसे आपने देखा हो मुल्तानी मिट्टी कैसी होती है लेयर बाय लेयर, तो फॉइलेटेड स्ट्रक्चर होता है माइका का, तो आंसर नंबर उसका सी है। द मोस्ट सुटेबल रोड मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों ऑप्शन में से तो सुटेबल रोड मटेरियल कौन सा है, तो वह आपका वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक होता है सबसे सुटेबल रॉक मटेरियल है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सक सकता है, क्योंकि कहीं ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है आपको किसी एग्जाम में। अब आते हैं मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू स्लेट और क्वार्ट्जाइट, दो अलग अलग स्टोन्स है, स्लेट और क्वार्ट्जाइट के लिए कितना होगा, तो 1% तो होता है आपका स्लेट के लिए और क्वार्ट्जाइट के लिए होता है 3%, तो इसका जो आंसर है 31 का वो है आपका आंसर नंबर बी, प्रवास सिंह आंसर नंबर डी नहीं है, आंसर नंबर बी है, क्योंकि जो स्लेट होता है वो 1% जो होता है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और जो आपका क्वार्ट्जाइट है उसका 3% होता है। कलर ऑफ सैचुरेटरी मार्बल यूज फॉर स्कल्पचरल, स्कल्पचरल मतलब होता है आपका स्कल्पचर्स आपको बनाने उसके अंदर जो मार्बल का कलर होगा वो जनरली कौन सा प्रेफर करते हैं, व्हाइट, कई जगह दिया गया है ऑप्शंस के अंदर रेड भी दिया गया, बट व्हाइट कलर का मार्बल ही इस्तेमाल होता है स्कल्पचर्स के अंदर, ठीक है। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, फिर अगेन क्वेश्चन आ गया आपका 33 क्वेश्चन जो है वो आपका एनवायरमेंट से पूछ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl का होल ट्वाइस, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड्स ऑफ लाइम, ये फॉर्मूला जो है वो हाइपोक्लोराइड्स है, लाइम के हाइपोक्लोराइड्स होते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का होल ट्वाइस, तो ऑप्शन नंबर डी है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। अब आते हैं रैपिड सैंड फिल्टर, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कॉमन क्वेश्चन है, पूछते जाते हैं रैपिड सैंड और स्लो सैंड फिल्टर से, रैपिड सैंड फिल्टर कैन रिमूव टर्बिडिटी, कितनी टर्बिडिटी रिमूव करेगा, 35-40% टर्बिडिटी को रिमूव करता है, ये डाटा बेस क्वेश्चन है जो आपको याद रखने है, 35-40% टर्बिडिटी को रिमूव करता है ppm मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर पूछा जाता है कि कंप्लीशन ऑफ केवल केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना वाटर चाहिए, 23% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये बोलता है कि प्रॉपर पूरा कंप्लीट हाइड्रेशन के अंदर अगर देखा जाए तो वो होता है आपका जो 15% जेल वाटर, या बोलते हैं फोर्स के अंदर वाटर ऐड कर लो तो कितना हो गया ये 38% वाटर था टोटल, बट ये बोल रहा है कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये आंसर आ जाएगा, क्यों 23 कहां लाई कर रहा है, इस सी वाले ऑप्शन में लाई कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फाइननेस सीमेंट, सीमेंट की फाइननेस की बात कर रही है, तो सीमेंट का फाइननेस जो था 90 माइक्रोन की सीव से उसको फाइननेस को मेजर किया जाता है, और रिजल्ट आता है वो एरिया बाय मास के अंदर, किसमें एरिया डिवाइडेड बाय मास, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपका एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आप डे टू डे लाइफ या जो आपकी लेबोरेटरीज के अंदर उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बाउंड एट, सीमेंट की बात कर रहा है, अगर बोलता ब्रिक तो ब्रिक में होता 900 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको बर्न किया, अगर सीमेंट की बात करता है तो 1200 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है अगर बात करता है सीमेंट की 1200 लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक इसको बर्न किया जा सकता है, ताकि कंप्लीट बर्निंग हो, एक प्रॉपर ग्राइंडिंग हो जाए, क्लिंकर्स बन जाए, तो कितना है 1400 डिग्री सेल्सियस, यह है 37 का आंसर नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक, अब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक्स का पढ़ा होगा, थर्ड क्लास ब्रिक का पढ़ा, ये पूछ रहा है गुड ब्रिक, ये वर्ड याद रखना है, ये पूछ रहा है गुड ब्रिक का, तो 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, आंसर है आपका डी, प्रभास सिंह डी बिल्कुल सही है, हैकर डी बिल्कुल, 15 का जो 38 का 15% ड्राई वेट होता है, अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक बोलता या सेकंड बोलता या थर्ड बोलता तो कितना होता है 20
22% और 25%, ये होता है फर्स्ट सेकंड या थर्ड का, पर वो बोल रहा है गुड ब्रिक के लिए तो 15% ऑफ ड्राई वेट। आते नेक्स्ट, इन द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग। अब ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल टाइप को समझना पड़ेगा, तो चलते हैं एक थोड़ा सा छोटा सा कि टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज मूव, व्हेन द लिफ्ट इज मूव। तो डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से अपन देखेंगे इसके अंदर कि ये एक लिफ्ट है, ये mg, ये जो है आपका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और टेंशन जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो t माइनस mg इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जैसे जैसे अपन टेंशन बढ़ाना है, आपको इंक्रीज करना है, तो मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही इसका सिंपल सा आंसर है। क्या बोला कि एक लिफ्ट है, ये बोल रहे सपोज का ये लिफ्ट है और लिफ्ट का जो वेट है वो w है और टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, तो t माइनस इतनी डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो एक्सीलरेशन के बढ़ने से टेंशन क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो अपन चलते हैं वापिस अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये क्या होगा, मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन, ठीक है। तो टेंशन ऑफ द केबल लिफ्ट इज मोर कब होगा, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, तो टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्टेशनरी भी नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, ये प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, एक बॉडी जिसका मास है m1 यहां पे दिखाया गया, सेकंड का मास है m2, आर हैंग फ्रॉम एंड ऑफ अ रोप, ठीक है। पासिंग ऑफ फ्रिक्शन लेस, यहाँ पे आएगा आपका एक फ्रिक्शन लेस वर्ड, ये लेस थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो फ्रिक्शन लेस पुली एज शोन इन फिगर, मास जो है m1 वो ज्यादा है m2 से। अगर m1 मास ज्यादा है तो डाउनवर्ड इधर तरफ जाएगा, क्योंकि जब मास इधर ज्यादा है तो ये अपवर्ड में जाएगा और ये मूव क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसकी इक्वेशन देखनी है कि इक्वेशन क्या होगी। आंसर ए है इसका, आंसर बिल्कुल आंसर ए है। कैसे आंसर ए है वो आपको देखना है, बिल्कुल जो आंसर है वो इसका ए आंसर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए तो इसमें क्या देखा आपने कि दो, एक पुली थी और उस पुली पे आपका दो मास अटैच है, ये है आपका m1 है मास, ये है आपका मास m2, ये टेंशन यहाँ पे भी है, टेंशन यहाँ पे, और फ्रिक्शन लेस पुली है। ये पुली कैसी है, फ्रिक्शन लेस पुली है। तो क्या बोल सकते हैं, जब वेट m1 का ज्यादा, एक कंडीशन दे दी जो m1 है वो ग्रेटर देन है m2 से, जो मास है m1 का ज्यादा है तो वो किस तरफ आएगी, डाउन डायरेक्शन के अंदर यहाँ वो मूव करेगी। तो m1 इंटू जी माइनस टी, ये डाउनवर्ड है तो वो अपवर्ड है, इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सीलरेशन। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से सेकंड इक्वेशन देखें यहाँ की, तो वो क्या हो जाएगा, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। करना क्या है आपको, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली तो वो क्या हो गया, m1g माइनस m1a, ये हो गया आपका t की वैल्यू। यहाँ से t जब देखा तो क्या हो गया, m2a प्लस m2g। ये दो t की वैल्यू निकल गई और इन t की वैल्यू को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो अब देखते हैं इसको इक्वेट करके तो क्या आंसर बनता है। तो ये लिख दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, m1g माइनस m1a इज इक्वल्स टू m2a प्लस m2g। एक्सीलरेशन वाली टर्म्स ले जाइए और जो भी आपकी ग्रेविटी के साथ है उसको एक तरफ ले जाइए, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस में आ गया m2g, ठीक है, इधर ले गया, और यहाँ से क्या हो गया m2a, और ये किस में आ गया, प्लस में m1a। पूछा गया है आपको एक्सीलरेशन, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो एक्सीलरेशन यहाँ से जी को माना गया, m1 माइनस m2, और यहाँ से क्या एक्सीलरेशन कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को यही रहने दिया, तो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आंसर आपने बताया था बिल्कुल सही है सर, सैचुरेटेड वेट 15% ही होगा, वेट का 15% होगा, बिल्कुल होगा, ड्राई वेट का सैचुरेट करेंगे, ड्राई वेट का 15% होता है। आंसर वो है आपका m1 माइनस m2g
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ऑप्शन नंबर जो 1 था वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट इसका है। तो आते हैं अपन वापस क्वेश्चन पे, तो m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, ये आपका a इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स एक p है और दूसरा q है जो एक एंगल q एंगल पे लग रहा है, तो सिंपल सा फार्मूला है, तो ये रहा इसका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का अंडर रूट, ये भी सभी को पता है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, इलास्टोमर्स की बात हो रही है, इलास्टोमर्स शायद ये वर्ड ना सुना हो आपने, सोम में भी है ये इलास्टोमर्स जो होते हैं, एक्सटेंड कितना 10 टाइम्स एक्सटेंड करते हैं, तो इसका 10 टाइम्स देयर ओरिजिनल डायमेंशन, 10 गुना क्या होता है एक्सटेंड कर सकते हैं। इलास्टोमर आर लाइक इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं 10 टाइम्स। फाइबर बोर्ड की बात आ रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बीएमसी से है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से, फाइबर बोर्ड जो होता है वो यूज फाइबर बोर्ड का यूज होता है फर्नीचर्स के अंदर, ठीक है, जो बोर्ड बनाने के हो गया या टेबल हो गया आपका, या कोई भी आपको डेकोरेटिव फाइबर बोर्ड होता है, तो प्लाईवुड जो होता है वैसा ही होता है, बट थोड़ा कॉम्पैक्टेड कम होता है, ठीक है, डेंसनेस उसमें कम होगी, तो मतलब फाइबर बोर्ड और यूज फॉर द फर्नीचर्स, फर्नीचर के जनरली इसको यूज किया जाता है फाइबर बोर्ड को। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 44 पे आना है अपने को। 44 जो क्वेश्चन है ये आपका क्यूएसवी से, क्वांटिटी सर्वेयर वैल्यूएशन से, हैकर डी 10th क्वेश्चन हो चुका डिस्कस, देखते हैं आगे। 44 पे द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट 1:2:4, प्रोपोर्शन है 1:2:4, सीमेंट सैंड और फाइन एग्रीगेट, सीमेंट सैंड और फाइन एग्रीगेट का रेशियो है। What will be the actual quantity of sand per unit volume? Sand quantity पूछ रहा है। If undergo 20% of bulking, bulking हो गई उसकी 20%, तो sand की quantity कितनी होगी? तो बिल्कुल obvious सी बात है, कैसे निकाला जाए? ये हो गई आपकी sand, इसकी quantity कितनी? Bulking 1.20 multiply किया, ये हो गया ये 4.4, कितना आ गया? 2.40, answer क्या है? B, बोला है यह सीमेंट ये सैंड होता है फाइन एग्रीगेट, मतलब सीमेंट बोल दो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का रेशियो होता है। पूछता है कि सैंड पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना था 2 था और कितना परसेंट 20%, 1.2 था हो गया, कितना था 2.4, आंसर है आपका बी। क्लीन कंक्रीट बेड इज एट द बॉटम ऑफ वॉल फुटिंग इज कैप्ड, ये होती है इक्वल टू द प्रोजेक्टेड बियॉन्ड वॉल बेस, जितना वॉल बेस में होगा उतना का उतना ही क्या होगा आपका डेप्थ ऑफ लीन कॉन्क्रीट बेड की डेप्थ भी क्या होगी सेम होगी। अब आते हैं आपका 46 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ESE का क्वेश्चन लग रहा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, जरूरी भी है ऐसे क्वेश्चन करें ताकि आप कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो सके, रटने से काम नहीं चलेगा। एल्यूमिनियम इज बींग इंक्रीजली यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज, के एल्यूमिनियम इंक्रीजली यूज हो रहा है स्ट्रक्चरल पर्पज के अंदर, तो इन चारों जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे पहले एलिमिनेट करना है, जो गलत पॉइंट है उसको देखें। मॉड्यूलर वेलोसिटी इज डबल, बिल्कुल नहीं, ये 1/3 होती है, ये हो गया आपका पॉइंट गलत। कोफिशिएंट हाफ ऑफ स्टील, ये भी गलत है, ये लगभग 2.5 के समथिंग होता है। रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथ यूनिट वेट रेशियो एल्यूमिनियम इज हाई, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसकी, तो थर्ड और फोर्थ सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी ही आप बोल रहे हैं। इसी तरह से अपन आते हैं नेक्स्ट पे, 47 क्वेश्चन, लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक, ये सारे कनेक्शन तरीके से बोल रहा है, इनमें से कौन सा कनेक्शन में लोड इसेंट्रिक नहीं है, ठीक है, तो लैप जॉइंट कैसा होता है, ये हो गया आपका लैप जॉइंट, इसमें इसेंट्रिक होता है बिल्कुल, ये देखो इसेंट्रिसिटी आ रही है इसके बीच में, ये ई आ रही है, यहाँ पे लोड लगा दिया पी। सिंगल कवर बट जॉइंट में भी यही होगा, ये है इसके ऊपर एक मेन प्लेट है, कवर प्लेट है, इसमें भी इसेंट्रिसिटी होती है। डबल कवर बट जॉइंट का, डबल कवर बट जॉइंट कैसा होता है आपका, ये आपका मेन प्लेट है उसके ऊपर कवर प्लेट है, ये पूरा सिस्टम कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक सेक्शन में क्या होगा इसेंट्रिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं सेम एक्सिस पे लग रहे हैं, तो नॉट इसेंट्रिक पूछ ही रहा है, नॉट इसेंट्रिक, तो डबल कवर बट जॉइंट। ऐसे ही बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है स्टील से, अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन, इफेक्टिव लेंथ इतना दे रखी है आपको, एल इफेक्टिव वैल्यू दे रखी है, ये आपकी एल इफेक्टिव की वैल्यू है, सिलेंडर रेशियो में काम आगे लैम्डा इक्वल्स टू एल इफेक्टिव मिनिमम लीस्ट रेशियो काम आगे एल इफेक्टिव। साइज ऑफ द एंगल, एंगल की जो साइज है वो आपको गिवन है यहाँ पे, कितना 100 × 100 × 10 एंगल की साइज गिवन, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, ये जो क्वेश्चन है बिना कोड के सॉल्व नहीं होगा, फिर भी आपको थोड़ा सा और देते हैं कि एरिया जब निकालना होता है
तो चले अपन थोड़ा सा ताकि आपको पता चल जाए कि सॉल्व आप कैसे करना है। ये आपको बोल रखा है कि ये जो है आपका एक एंगल सेक्शन है, ये है 100, ये है आपका 100 और ये है आपका 10। पहले जब एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका L1 माइनस टी बाई टू इंटू टी प्लस L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी। L1 है आपका 100, L1 ये हो गया आपका L2 और ये हो गया T। यहाँ पुट करने से एरिया निकल के आएगा, एरिया जाएगा 1900, ठीक है, mm2। ये आपका एरिया आएगा। इस एरिया को आपको कहाँ चेक करना है, स्टील कोड के अंदर। इसको जब एरिया को स्टील कोड में चेक करोगे तो वहां से रेडियस ऑफ जायरेशन की आर की वैल्यू वहां से लेनी है। उस आर की वैल्यू लेने के बाद में आपको लैम्डा सर्जेंस रेशियो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर यहाँ पुट करना है। एल इफेक्टिव आपको 3000 mm गिवन है, आर जो वहां से आएगा वहां पे पुट करना है, तब जाकर क्वेश्चन होगा। उसको फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इसमें कोड की जरूरत है, कोड भी दे चुका है, इससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील रॉड इज 16 mm डायमीटर, एक स्टील है क्योंकि रॉड है जिसका 16 mm डायमीटर है, हैज बीन यूज्ड इन अ टाई इन अ ब्रेसिंग सिस्टम, टेंशन मेंबर के अंदर यूज हो रहा है ब्रेसिंग सिस्टम के अंदर। रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस के लिए जो सरेंडर स्ट्रेस होता है वो होता है 350, ये याद रखना है यहाँ पे पॉइंट, तो ये क्वेश्चन बन पाएगा। मैक्सिमम परमिटेड लेंथ ऑफ द मेंबर, मैक्सिमम परमिटेड लेंथ आपको निकालनी है मेंबर की, तो वो क्या होता है r बाय फोर। जब इसको सॉल्व करोगे, अब ये r बाय फोर कहां से आया, तो इसके लिए आपको सॉल्व करवाते हैं अपन। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व होता है। तो i इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर i पाई बाय फोर, ठीक है, पाई बाय 64 डी फोर इज इक्वल्स टू एरिया पाई बाय फोर डी स्क्वायर और ये हो गया आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 4 से 16 हो गया बिल्कुल, और डी स्क्वायर से यहाँ, तो यहाँ क्या बच गया डी स्क्वायर बाय 16 और यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर। यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी, तो आर क्या हो जाएगा अंडर रूट चला जाएगा, तो डी बाय 4। तो जो आपको लिखा था आर की वैल्यू वो कैसे आती है, कुछ इस तरह से आती है डी बाय 4। डायमीटर आपको गिवन है 16 डिवाइडेड बाय 4, देखिए आ गया 4 आ गया, आर की वैल्यू कितनी हो गई 4 आ गई। अब करना क्या है, लैम्डा सरेंडर रेशियो इज इक्वल टू एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ आपको फाइंड आउट करनी डिवाइड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, और बोला रिवर्सिबल स्ट्रेस 350 4 कर देना, यहां से क्या निकल जाएगा आपका एल इफेक्टिव, यहां से जो आंसर आएगा एल इफेक्टिव, तो 1400 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ का। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या। तो चले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन में बिल्कुल है बी जो है इसका आंसर है, बिल्कुल अपन ने कैलकुलेट किया, सेम उसी प्रोसेस कैलकुलेट करना है, आंसर क्या है आपका बी। अब आते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एट ए एंड बी फॉर द फिक्स्ड बीम, एक फिक्स्ड बीम और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये जो केसेस है सिंपल से केसेस है, डायरेक्ट है जो आपको वैल्यू याद रखनी है। तो इस एंड पर तो होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30 और इस एंड पे जहां पे क्या है आपका वेरिंग लोड की आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20। देखते हैं कहीं है कि WS² 30 WS² 20, तो आगे आते हैं। तो बिल्कुल है ये आपका, देखो बी ऑप्शन के अंदर आपका दिख रहा है ये आगे WL² 30 WL² 20। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका सोम से है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरीज ऑफ फेलियर से, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स में होती है आपकी थ्योरीज, उनके नाम है रैंकिन थ्योरी, इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और शेयर स्ट्रेस थ्योरी होती है, और ये वॉन मिसेस या हेन की बोलते हैं, ये जो होती है स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है। सभी के नाम बता दिए, प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और शेयर स्ट्रेस थ्योरी होती है गैस एंड ट्रस्ट का। तो ये वॉन मिसेस कौन से, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, 52 क्वेश्चन जो है ये आपका टॉस से है, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि ए बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालो और ए डी का निकालो। दिक्कत क्या है, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है 2.5 meters, ये वैल्यू आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 2.5 meters तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको के
स्टिफनेस निकालनी है तो ei by l ab की और ad की, ab की और ad की, ये हो गई ei by l। ab से बात करेंगे तो उसकी वैल्यू मैंने बताई कि मिसप्रिंट था, आपको लिखना है उसमें 2.5, ये हो गया k ऑफ स्टिफनेस ऑफ सेक्शन ab, ab सेक्शन की स्टिफनेस ei by l, और l कितना है उसका 2.5 था, और kb ad बोलो kd ad की जो वैल्यू है वो ei by 5 था, वहां पे आपको वैल्यू गिवन थी। तो ये दो वैल्यू तो हो गई आपकी स्टिफनेस की। अब स्टिफनेस के बाद क्या करना है वो कंसेप्ट है, बिल्कुल कंप्रेशन रिवर्सिबल में 350 है, एक बार चेक करना, डबल कवर, बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब आते हैं कि ये तो हो गया ei by 2.5 और ei by 5, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर मैं बात करूं ab का और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे निकालना है AD का, दोनों वैल्यू पूछा है, तो K जो आएगा स्टिफनेस AB डिवाइडेड बाय K ऑफ AB प्लस K ऑफ AD। सेम इधर तरफ से अगर K ऑफ AD है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, AD डिवाइडेड बाय K ऑफ AB प्लस K ऑफ AD, यहाँ पे वैल्यू फुट करनी आंसर आ जाएगा। तो K ऑफ AB कितना है आपका, बताया था EI बाय 2.5, इसको डिवाइड करना है EI बाय 2.5 प्लस EI बाय 5, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये आ गया 5, तो 2 ई आई प्लस ई आई तो क्या हो गया 3 ई आई बाय 5। अब इसको डिवाइड करना है तो क्या हो गया ई आई बाय 2.5 इंटू 5 बाय 3 ई आई, ई आई सी आई कैंसिल आउट, ये हो गया यहाँ पे 10 तो 50 हो गया 2, तो 2 बाय 3 तो 0.67, ये जो आएगा 2 बाय 3 वो आएगा आपका 0.67। ये तो हो गया आपका ए बी की वैल्यू, सेम इस तरह से इसको इसको सॉल्व करो 0.3 आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा इसको जैसे सॉल्व किया सेम इस तरह से यहाँ पे जब ए डी की वैल्यू पुट करें तो ई आई बाई 5 आ जाएगी। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, 0.67 है ए बी का और ए डी का 0.33, सॉल्व करके देखिएगा, एक आपको सॉल्व कर दूसरा आप ट्राई करिएगा, यहाँ पे आंसर है बिल्कुल है 0.67 एंड 0.33, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.67, ये जो वैल्यू है किसकी निकाल दी अपन ने, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए बी, और ये जो निकाल दी किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए डी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, टॉस से ही क्वेश्चन है, ठीक है बिल्कुल, हाँ आपका भी आंसर यही आ रहा है, गुड। अब आते हैं इन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन डिफॉर्मेशंस आर कंसिडर्ड टू बी कॉज्ड बाय, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के अंदर बेंडिंग मोमेंट ओनली, इसकी इक्वेशन लिखें तो देखते हैं क्या होता है, m ऑफ ए बी हो गया m ऑफ ए बी फिक्स एंड मोमेंट ऑफ ए बी l ब्रैकेट में 2 थीटा a प्लस थीटा b माइनस 3 डेल बाय l, तो इसमें एक्सियल और शियर को नेग्लेक्ट करते हैं, जो इक्वेशन वो बेस्ड होती है वो किस पर, बेंडिंग मोमेंट पे बेस्ड होती है, इसका आंसर जो है वो आपका d है। अब आते हैं अपन 54 के ऊपर, 54 जो है न्यूमेरिकल है, ये आपको न्यूमेरिकल हाईवे से पूछा गया न्यूमेरिकल है, असेंडिंग ग्रेडियंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 in 100 और डिसेंडिंग मतलब नेगेटिव वैल्यू, डिसेंडिंग असेंडिंग को पॉजिटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेना है और इसको नेगेटिव लेना है 1 in 50, द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस 500 मीटर आपको गिवन है। तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो अपन देखते हैं, तो क्वेश्चन पे अपन आए, तो सबसे पहले तो अपन ग्रेडियंट निकालते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, माइनस वन अपॉन में एन टू, तो एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव, तो यहाँ से आपका एन निकल जाएगा, ठीक है नेगेटिव तो उसको नेगेटिव वैल्यू लेनी है बिल्कुल, तो उसको ऐड कर ले रहे, यहाँ से एन निकल जाएगा, उस एन के निकलने के बाद में लेंथ अगर अपन ज्यादा मान रहे हैं उस सबमिट कर्व की साइड डिस्टेंस से, तो एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.6, यहाँ से जो एन की वैल्यू वो लिखना है, S जो आपको है आपको 500 मीटर गिवन है, 9.6 करना, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आते अपन क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका क्वेश्चन तो सेम वही था, तो 1 upon 100 प्लस 1 upon 50 कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से जो आंसर आएगा 0.03 आएगा आपका, 500 मीटर गिवन था, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाय 9.6, ये फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ये वो फॉर्मूला दोबारा आपको लिख देते हैं, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाय 9.6, एन ये ग्रेडियंट लिख देना यहाँ पे, दोनों का जो सम होगा वो सम करके एस की वैल्यू आपको गिवन ही है, 9.6 डिवाइड करो 781, जो आंसर आएगा वो बी, कैलकुलेट करके देखना
782 बिल्कुल सही है आपका आंसर, 54 का आंसर जो है आपका आंसर नंबर बी, डन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट दी सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। अगेन जो क्वेश्चन है ये हाईवे से पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट से पूछा गया है, सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड जो गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है आपको, फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन। ये है काम की बात जो आपको याद रखनी है, फॉर्मूला सभी को पता है, 0.278 VB into T प्लस फॉर्मूला 0.278 VB का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2GF। ये फॉर्मूले का यूज करना है आपको जब स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस आपको निकालना है, VB 16 पुट करना है, T की वैल्यू आपके पास है 2.5 करनी है, VB है ये, G कितना होगा 9.81 और F कितना 0.35। जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से कुछ आपका आंसर निकल के आएगा, उस आंसर को क्या करना है ट्वाइस करना है, जो भी आंसर आएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ट्वाइस करना है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है टू वे ट्रैफिक है कि एक सिंगल लेन है बट ट्रैफिक टू वे है कि आ भी रहा है और उस पर जा भी रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल वो जा ही रहा है, जो एक ही लेन पे सिंगल लेन रोड के ऊपर टू वे ट्रैफिक है, ट्वाइस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 164.42, यहाँ से जो आंसर आएगा वो 81.2 समथिंग आंसर आएगा यहाँ पे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। उसको ट्वाइस इसलिए करना है क्योंकि टू वे ट्रैफिक है, रोड कैसी है आपकी सिंगल लेन रोड पे। अब आते हैं अपन रेलवे टनल्स आर जनरली, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका रेलवे से, सीधे पॉलीसेंट्रिक टनल जो होती है वो रेलवे की कैसी होती है, पॉलीसेंट्रिक होती है। अब आते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ड्यू टू ओजोन अकर्स एट वेवलेंथ, कि मैक्सिमम रेडिएशन किसको एब्जॉर्ब करती है जो वेवलेंथ स्मॉलर होगी 0.3 mm, तो आंसर जो है वो बी, शॉर्टर देन 0.3 mm को। The rail section which is not used in Indian broad gauge track, इनमें से कौन सा रेल सेक्शन यूज नहीं होता है इंडियन ब्रॉड गेज ट्रैक के अंदर, तो होता है 40R, ये 40R जो सेक्शन है ये यूज नहीं होता है, नॉट यूज पूछा है, बाकी सभी क्या होते हैं यूज होते हैं। अब आते हैं सॉइल से क्वेश्चन आया, 59th क्वेश्चन जो है वो आपका, 59th क्वेश्चन जो आपका सॉइल से है, अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइड 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉइड रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, एयर और आपको वाटर ऑक्यूपाई 1/6 1/3 को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा आपको। ये बोल रहा है जो एयर ने ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम वो कितना है 1/6 और जो वाटर ने ऑक्यूपाई किया है 1/3 है, तो पूछ रहा है कि वॉइड रेशियो कितना होगा, इस कंडीशन में वॉइड रेशियो क्या होगा, तो बात करें टोटल वॉल्यूम तो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये इसमें क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर भी होगी और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा, तो अभी बोला कि वॉल्यूम ऑफ एयर वी बाय 6, वॉल्यूम ऑफ वाटर वी बाय 3, या एलसीएम लिया 6 तो वी प्लस 2V, तो यहाँ से क्या आ गया 3V/6, तो आंसर क्या हो गया V/2, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ गया V/2, यहाँ सीधा लिख दें यहाँ पे कितना है आपका V/2, वॉल्यूम वॉइड कितना आ गया दिख रहा है आपको सभी को, ठीक है, तो वॉल्यूम वॉइड है आपका V/2, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ V/2, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करें टोटल वॉल्यूम में से अपन माइनस कर सकते हैं बिल्कुल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो है V है उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड को माइनस किया मतलब V/2 को माइनस किया, तो यहाँ से क्या बच गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बच गया, यहाँ से क्या गया V/2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी क्या हो गया V/2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है वॉल्यूम वॉइड पता है, दिक्कत क्या है वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये भी हो गया V/2 और ये भी हो गया V/2, दोनों को जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1, तो वॉइड रेशियो कितना होगा 1 आएगा यहाँ से आंसर, ठीक है, चलते अपन क्वेश्चन की तरफ, इसमें ऑप्शन देखते हैं, अगर 1 है बिल्कुल होना चाहिए आंसर, ये है आपका सी आंसर, आंसर नंबर सी जो है वो इसका आंसर है। अब आते हैं 60 क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ सैंड फिर सॉइल से क्वेश्चन है, हैज अ वॉल्यूम 1000 ml इन नेचुरल स्टेट, मिनिमम वॉल्यूम जो है वो 750 है और जो मैक्सिमम वॉल्यूम है मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 1320, तो चारों वॉल्यूम याद रखना आपको, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है 1000 750 और 1320, ठीक है, आपका जो है ये नेचुरल स्टेट है और ये मिनिमम वॉल्यूम है और ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो देखें टोटल वॉल्यूम जो है आपको 1000 ml गिवन है, वॉल्यूम ये नेचुरल स्टेट में ये मिनिमम वॉल्यूम जो गिवन है वो 750 ml गिवन है, ठीक है, और मैक्सिमम जो गिवन है वो 1320, मैं भूल गया शायद 1320 ml है, एक बार देख लेते हैं कंफर्म कर लेते हैं ताकि आंसर गलत ना हो,
इसमें जब 1320 बिल्कुल एक्जेक्टली पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालनी है ठीक। तो ये नेचुरल स्टेट के अंदर है ठीक है, मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। पूछ रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी आईडी, रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, इस फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। और उससे पहले क्या करना है वो देखना है आपको। तो वॉइड रेशो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर बात करें नेचुरल स्टेट के अंदर तो 1000 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं मान के चलता हूं x है, एक कांस्टेंट सॉलिड क्या होता है, फिक्स होता है ठीक है। सॉलिड्स जो किसी भी अगर बात करें सॉलिड्स की क्वांटिटी का फिक्स होती है, तो x ठीक है। तो इसको बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो उससे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा ठीक है। क्योंकि वॉटर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और मैंने क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड चाहिए, तो आप क्या बोलोगे टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दो, यही तो मैंने लिखा है ठीक है। यही तो लिखा है कि टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दिया। इस टर्म को यहां पर लिखा से क्या हो गया, v / vs - 1 रिलेशनशिप क्या है, इस रिलेशनशिप का आपको यूज करके चलना है। तो अब देखते हैं इस रिलेशनशिप का यूज करा, तो नेचुरल स्टेट के अंदर बात करें तो v / e इन नेचुरल स्टेट क्या हो गया, v / vs माइनस वन, और v क्या है आपका 1000 है, vs कितना है x बोला था, x मान के चल रहे हैं माइनस वन, एक इक्वेशन हो गई। अगर e बात करें मिनिमम की बात करें मिनिमम, तो v क्या हो जाएगा, मिनिमम आएगा ऑब्वियस सी बात है, जब बात करेंगे मिनिमम के मिनिमम आएगा। vs सॉलिड तो फिक्स होता है, इसको अपन ने x माना, तो मिनिमम का वैल्यू क्या है 750 डिवाइडेड बाय x माइनस वन ठीक है। 750 डिवाइडेड बाय x माइनस वन 56 ठीक है, गामा ट्राई गामा मैक्सिमम सो 56, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, ये तरीके से क्वेश्चन होगा। इसको देखिए एक बार, फिर जो अगर दिक्कत हो तो मुझे बताइए कमेंट करके। तो 750 मिनिमम हो गया, और लास्ट एक जो बचा है मैक्सिमम, तो जब मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम भी किसका आएगा आपका, मैक्सिमम का आएगा डिवाइडेड बाय वी एस माइनस वन। तो मैक्सिमम कितना है आपका 1320, तो 1320 सॉलिड कितना है फिक्स है, तो अपन ने एक्स मान के चल रहे हैं माइनस वन। अब होगा आपका क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो सकता है ठीक है। तो अब देखते हैं अब आपको क्या यूज करना है, वो आपको यूज करना है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, उसको यूज करके आपको आंसर कैलकुलेट करना है। रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला अब आराम से यूज हो जाएगा, आई डी रिलेटिव डेंसिटी ई मैक्स माइनस ई अपॉन, मतलब नेचुरल हो गया, और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स की बात करें, मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास है 1320 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, माइनस e जो है नेचुरल स्टेट करें, नेचुरल स्टेट बोल दो या e बोल दो इसको, तो हो गया 1000 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e मैक्स, e मैक्स आपका वापस है 1320 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और माइनस e मिनिमम 750 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 ये प्लस ये कट गया, 1320 में से अगर आपने माइनस किया 1000 तो 320 डिवाइडेड बाय x यहाँ बच गया, और यहाँ से जब आपने माइनस किया तो ये 250 और 570 हो गया, ये आपका 570 बाय x। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 320 डिवाइडेड बाय x इनटू x डिवाइडेड बाय 570, यहाँ से जो आंसर निकल गया 56% निकल गया। आप यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम्स को ई मैक्स को वी मैक्स एंड सो ऑन, नहीं बिल्कुल जो तरीका है वो बिल्कुल जो प्रोसेस है वो स्टेप सही है, इससे आप सॉल्व करेगा यहाँ से आंसर आपका जो निकल के आएगा, तो देखिए यहाँ से आंसर जो आएगा 56% के आसपास आएगा, देखिएगा 56 आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा आपका आंसर। तो 60 का जो है वो आपका आंसर कौन सा है, आंसर जो है 56 या 58 जो भी है। तो ये था आपका प्रोसेस सॉल्व करने का, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको ट्राई करिएगा बाद में। अब आते हैं 61 क्वेश्चन पे, ये आपको दे रखे टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्टिंग डिवाइसेस, रोलर्स दे रखे अलग अलग टाइप्स के, और कौन से सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। अगर बात करें अपन स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील जो रोलर होता है कोजी और ग्रेनुलर सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए काम आता है ठीक है। शीप फुटेड रोलर जो होता है वो आपका प्लास्टिक सॉइल के लिए काम आता है, तो शीप फुटेड रोलर जो है वो आपकी प्लास्टिक सॉइल के लिए काम आएगा। वाइब्रेटरी रोलर जो है वो आपका कोहेजन लेस सॉइल के लिए, तो डी का 3, तो इन दोनों में से आंसर होगा।
उसका शीप फुटेड रोलर की या स्मूथ फील रोलर की बात करें तो कोहेसिव, तो बी का वन, तो डी का थ्री और बी का वन, तो इसका आंसर होगा सी 4123, ठीक है। डी का थ्री बिल्कुल सही है, डी का थ्री कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है, तो ये आंसर है 4123, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है, ठीक है। जसवाल मनीष, ठीक है, आंसर बिल्कुल आपका सही है सी। अब आते हैं अपन सॉइल सैंपल्स इनर एंड आउटर रेडियाई, फिर सॉइल से क्वेश्चन आ गया है आपका, ठीक है, सैंपल से क्वेश्चन आया है, जो सैंपल्स जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। द एरिया रेशियो ऑफ द सैंपलर, देखो एरिया रेशियो पूछ रहा है सैंपलर का, तो डी होता है डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी इनर का स्क्वायर इंटू 100, ये है फॉर्मूला, इसको आपको यूज करना है। तो डी आउटर, आउटर की बात करें तो इनर आउटर रेडियस दे रखा 25 और 30 mm, तो 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर इंटू 100, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा आपका वो यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेटर भी है नहीं तो देखना, जो भी आएगा शायद 44 समथिंग आना चाहिए, जो भी आएगा 62 का आंसर, ये फॉर्मूला है डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर 44 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सॉल्व कर लिया, गुड आदित्य, तो सी ऑप्शन है 44%, तो बिल्कुल एक्जैक्टली आंसर सही आ रहा है आपका। तो डी आउटर का स्क्वायर डी इनर का स्क्वायर अपन डी इनर का स्क्वायर इंटू 100, सभी वैल्यू गिवन है, इनर आउटर डायमीटर गिवन है आपके सैंपलर के। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन परमिसिबल एंगुलर डिस्टॉर्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, बात करें स्टील स्ट्रक्चर इन आइसोलेटेड फाउंडेशन रेस्ट ऑन प्लास्टिक क्ले, ये दो तीन चीजें, अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो आंसर 1/300, अगर बोलता वो स्टील की जगह आरसीसी तो 1/666 होता, तो जो इसका आंसर है वो कितना है आपका, आंसर नंबर सी 1/300, बिल्कुल आंसर नंबर सी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, 64 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, आरसीसी से पूछा गया क्वेश्चन है, इन कंबाइंड फुटिंग इन कंपाउंड, सी का आंसर, ठीक है, विक्रम कटारिया सी आंसर, गुड। इन अ कंबाइंड फुटिंग इन द जोन वेयर द शियर स्ट्रेस आर लेस देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो स्ट्रेस की वैल्यू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस कितनी प्रोवाइड करते, तो 4 legged steps प्रोवाइड करते, तो कितना 4 legged steps प्रोवाइड करे जाएगा, अगर बोलता कि 5 kg से मोर है तो 12 legged, ठीक है, तो ये अभी नहीं होगा, ये कब, जब मोर देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, नहीं तो कितना 4 legged steps, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आरसीसी का क्वेश्चन था, वॉल कैरीज एक्सियल लोड, क्वेश्चन काफी अच्छा है, आरसीसी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि एक बॉल है जिसके ऊपर एक्सियल लोड लग रहा है, मतलब ये वॉल है इसके एक्सिस पे एक लोड लग रहा है, और लोड की वैल्यू है 12 kN है, और इसेंट्रिक लोड मतलब सेंटर नहीं किसी एक डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितनी देखिए 72 पे लग रहा है 27 kN/m, तो इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी कितनी होगा, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, 12, 27 और 72 डाटा है, इसको सॉल्व किया, ये आपका एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर 12, ठीक है, और ये जो इसेंट्री है 27 और ये डिस्टेंस जो है 72, ये इसेंट्रिसिटी है आपकी, ठीक है। अब आपको जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो वो क्या होगा, P1X1 प्लस P2X2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो P1 की बात करें तो P1 जो है वो लोड, देखा है 12 लोड है, इसको बोल दिया आपने एक्सियल लोड, एक्सिस पे लग रहा है, एक्सिस पे लगता है मतलब वैल्यू जो है इसे एक्स बार की जो वैल्यू है जीरो होगा, क्योंकि एक्सिस पे लगा है, सेंटर पे लग रहा है, इंटू जीरो प्लस P2, 27 किलोमीटर जो लोड लग रहा है वो इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, वो सेंटर से किसी दूरी पे, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, 72 mm जो भी डिस्टेंस है उस पे लग रहा है, तो ये आपको हो गया 27 × 72 डिवाइडेड बाय P1 plus P2 है 12 plus 27, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा वो इस तरह से सॉल्व करना है कि एक आपका वॉल है, वॉल पे एक्सिस पे जो लोड लग रहा है एक्सटर्नल लोड वो लग रहा है 12 किलोन्यूटन लग रहा है, और जो एक सेकंड लोड लग रहा है वो इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है 72 मीटर की एमएम की इसेंट्रिसिटी पर, एमएम की इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, और कितना है 27 है, इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी निकालिए तो 49.86 आ रहा है आंसर, इससे आंसर सॉल्व करके देखना क्या रहा है, ये तो वैल्यू होगी जीरो, 27 × 72 डिवाइडेड बाय 12 plus 27 करके देखो जो आंसर आया 49.8, सिद्धार्थ यादव आदित्य बिल्कुल लग रहा है दो का आंसर आ गया, तो आंसर यही होगा, तो सॉल्व करने पता चलेगा इसका आंसर कितना आ रहा है, तो 50 मान के चलेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपका जो 48 आ रहा है तो आंसर क्या है, नियर बाय आंसर 50, तो डी आंसर है इसका, ठीक, 50 49.8 तो 50, गुड।
मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये आरसीसी क्वेश्चन है, मिनिमम रेनफोर्समेंट की वैल्यू जो है स्टील माइंस स्टील इन स्लैब पलंग है, माइंस स्टील की बात करें तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है 15% स्लैब के अंदर होता है और 0.80% था कॉलम के अंदर, ठीक है। तो आंसर नंबर डी सीधा सा क्वेश्चन है, आपके कोडल प्रोविजन है आंसर नंबर डी 66 का। आते अपन नेक्स्ट पे, नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट जो है आपका द रिडक्शन कॉफिशियंट ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट, वापिस आरसीसी से क्वेश्चन आया है रिडक्शन कॉफिशियंट, हाँ डी बिल्कुल ठीक है, डी आपका आंसर, विक्रम कटारिया आप ही आंसर दे रहे हैं बार बार। द रिडक्शन कॉफिशियंट ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कॉलम विद एन इफेक्टिव लेंथ 4.8 मीटर में दे रखी है और ये वैल्यू साइज जो एमएम के अंदर दे रखी है। अब करना क्या है, इसको जो फॉर्मूला रिडक्शन कॉफिशियंट का होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48 बी और डी, बी और डी। तो पुट क्या करना है, एल इफेक्टिव तो सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, इसको कर दो एमएम के अंदर 4800, ये हो गया आपका एल इफेक्टिव। एक बार बी लेना है और एक बार डी लेना है, सॉल्व करके देखना जो भी आंसर आएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेनी है। तो आई थिंक इसका आंसर जो होगा शायद 0.85 होगा, सॉल्व करके देखिए। फॉर्मूला है आपका 1.25 माइनस एल इफेक्टिव, फॉर्मूला आप इस दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो फॉर्मूला। अब फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लिख देता हूं, जो ठीक है फॉर्मूला लिखते हैं 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48 बी, एक बार भी लेना है और दूसरी बार 48 बी से सॉल्व करोगे, ठीक है सेम फॉर्मूला है। इसमें से जो मिनिमम आएगी, दो केसेस हो गए, दूसरा केस भी लिख देता हूं आपके लिए, तो 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48 डी, एल इफेक्टिव की वैल्यू कितना है 4.8 mm, mm में कन्वर्ट करने क्योंकि जो साइज है कितना है आपका d आ रहा है c आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन 0.85 गुड आंसर सही आंसर है। b जो है वो आपका 250 mm है और ये जो आपका है 300 mm है, तो यहां पे पुट करो सारा क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने पे एक वैल्यू ये देगा सेकंड वैल्यू ये देगा, दोनों में से जो वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी उस वैल्यू को क्या कहोगे आपका आंसर। तो 0.85 काफी का आंसर आ रहा है, मतलब 0.85 ही होगा इसका आंसर, ठीक है तो 0.85 बिल्कुल आंसर है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर जो है वो 0.85 ही होना चाहिए कि सभी बच्चों का यही आ रहा है। अब आते हैं व्हाट इज द एंकरेज लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हुक, हुक की बात करें, हुक होता है आपका 180 डिग्री पे होता है हुक, हुक कुछ इस तरह से हुक होता है, हुक कैसा होगा 180 डिग्री पे होता है, तो 180 डिग्री पे आपका हुक है और एंकरेज वैल्यू पूछ रहा है, तो ईच 45 डिग्री पे ये कितना मतलब बोला था 180 डिग्री हो गया, ईच 45 डिग्री पे 4.5 होता है, तो 16 डी बिल्कुल ऑप्शन इस तरह करेक्ट आंसर डी, ईच 45 डिग्री पे 4.5 होता है, तो 45 into 45 90 तो 4 into 8 8 into 16 16 डी जो आंसर है डी। द लिक्विड लिमिट, अब बात करें सॉइल से क्वेश्चन आ गया, इस लिक्विड लिमिट एग्जिस्ट इन, लिक्विड लिमिट किसमें एग्जिस्ट करेगी, क्ले में, बिल्कुल क्ले में एग्जिस्ट करती है लिक्विड लिमिट, जो पार्टिकल फाइन होगा उसी में ही तो वो अपन क्या कर सकेंगे उसको मोल्ड कर सकेंगे, बाकी सैंड को मोल्ड करना इतना पॉसिबल नहीं क्योंकि ग्रेन साइज बड़ी होते हैं तो वाटर उसके अंदर रिटेन नहीं हो पाएगा। डी आंसर मनेंद्र कुमार चौहान, नवीन पाल क्लेली सॉइल बिल्कुल सही है, फोर्थ 79 का जो है आपका डी क्लेली सॉइल है। आगे चलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंड ग्रेन डेंस सैंड, ये भी आपका सॉइल से क्वेश्चन, सीधा आंसर है इसका 25-30% होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। फाइव की वैल्यू पूछ रहा है डेंस सैंड के अंदर कितनी होती है, ठीक है डी नहीं नहीं इसका आंसर 25-30 होता है इसका, क्लियर है डी जो आप बोल रहे हैं शायद लिक्विड लिमिट का होगा आपका डी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो सभी को पता है कि एक होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर एक होता है पैसिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में क्या होता है, कोफिशिएंट पूछा है के और केपी, यहां पूछा है आपको केवल एक्टिव, तो 1 - sin5/1 + sin5 ये हो गया आपका वैल्यू के का, अगर बोलता है केपी का ये होती है आपकी केपी की वैल्यू, पर पूछा कि एक्टिव प्रेशर पूछता है तो बी आंसर है 71 का बी, ठीक है बिल्कुल बी सही है आपका भी आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो है आपका 72 द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टी बीम, ये क्वेश्चन जो आ गया है ये आपका आ गया आरसीसी से, टी बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है, व्हेन द टी बीम व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज फॉल इन द वेब, वेब के अंदर है जो न्यूट्रल एक्सिस है आपकी टी बीम है और इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ये एन ए न्यूट्रल एक्सिस, वो किसमें लाई कर रहा है वेब, ये वेब है और ये फ्लैंज होती है,
लाई कर रहा है वेब के, तो उसके आंसर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू विड्थ इनटू डेप्थ और डी माइनस वाई बार, ये होता है फॉर्मूला, सिग्मा डी इनटू डी और डी माइनस वाई बार, ठीक है। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सभी का सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ होगा। इसमें पूछा है फॉर अ ब्रिज स्लैब, ये ब्रिज स्लैब द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्स एंड फॉर, अगर स्लैब होता तो 15% ऑफ ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया होता होता और मैक्सिमम क्वेश्चन यही बोलोगे आंसर, बट अगर ब्रिज स्लैब की बात करेंगे तो 30.3% ऑफ ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया होगा। अगर बोलता है ब्रिज स्लैब, केवल बोलता है स्लैब, ब्रिज को हटा देगा तो आंसर ये होगा, अगर ब्रिज को लिख दिया आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका आंसर है आपका बी, जस्ट सवाल मनीष बिल्कुल आंसर है बी, 73 का बी आंसर, ग्रेट। आगे चलते हैं, सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल, ये कर्टेल का मतलब क्या है, कर्टेल का मतलब था कट करना, वो स्टील जो उसका फर्दर यूज नहीं है उस स्ट्रक्चर के अंदर उस मेंबर के अंदर, तो उसको क्या करते हैं कर्टेल, काट देते, उसको बोलते कर्टेलमेंट। सिंपली सपोर्टेड स्लैब के अंदर अल्टरनेट बार एक छोड़ के एक बार कर्टेल करते हैं 1/7 ऑफ द स्पान, 1/7 ऑफ द स्पान पे कर्टेल करते हैं, तो बिल्कुल 74 का सी, 74 का सी नवीन पाल, 74 का सी बिल्कुल, विक्रम कटारिया बी नहीं होगा, 74 का जो है वो सी होगा, 1/7 ऑफ द स्पान, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर सॉइल सैंपल फॉर विच टेस्ट यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट, ये आपको देगा परसेंटेज पासिंग 62%, लिक्विड लिमिट 35% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा आईपी, ये आपको WL, ये दे रखा है आपको आईपी, ये परसेंटेज पासिंग P से डिनोट कर दिया है इसको, ग्रुप इंडेक्स फॉर्मूला का यूज करके आपको क्लासिफाई करना है कि सॉइल कैसी है, तो ग्रुप इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है और जितनी वैल्यू कम आएगी उतनी सॉइल अच्छी होगी, याद रखना है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू अगर कम है तो सॉइल की क्वालिटी क्या होगी, गुड होगी, ये बात याद रखनी है आपको, अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम है तो सॉइल की क्वालिटी क्या होगी, गुड होती है। अब ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला पहले देखते हैं, फॉर्मूला देखें अपन कि क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आपका 0.2, वो होगा आपका 0.2, थोड़ा सा इशू है, देखते हैं ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूले के ऊपर बात करें तो होता है आपका 0.2 ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, GI = 0.2 A plus 0.005 AC plus 0.01 BD, इस फॉर्मूले का यूज करना है, ये होता है आपका ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, इसको यूज करके आपको ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी आती है वैल्यू। अब A की बात करें तो A होता है परसेंटेज पासिंग माइनस 35, B जो होता है परसेंटेज पासिंग माइनस 15, C जो है आपका लिक्विड लिमिट माइनस 40 और D जो होता है वो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10। ये जितने भी कॉन्स्टेंट है A, B, C और D, परसेंटेज पासिंग जो भी आपको वैल्यू वहां से उसको माइनस करना है, 62 है शायद आई थिंक, तो 62 माइनस 35 सेकेंड है, 62 माइनस 15 करना है, यहाँ से बी की वैल्यू जाएगी। सी की बात करें लिक्विड लिमिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट करें माइनस 40 करना है, आईपी जो वैल्यू गिवन है 14 है आई थिंक, 14 माइनस 10 तो हो गया 4, इन सभी वैल्यू को जब पुट करोगे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आती है 7 और इस ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 7 मतलब फेयर, सॉइल कैसी आपकी फेयर है, सॉइल कैसी आपकी फेयर है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आया आपका बी आएगा आंसर, फेयर, ठीक है बिल्कुल। 0 to 20 भी बीच होती है, बिल्कुल होती है 0 to 20 के बीच में ही होती है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू, बट बात करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर 0 to 4, 4 to 7, 7 to आगे। अब बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस D10 की वैल्यू, इफेक्टिव साइज देगा D10, D30 और D60, पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी सॉइल होगी, सबसे पहले निकालना पड़ेगा CU और CC, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। हैकर किसी चैनल पे मिल चुके हो आप, ठीक है ये नहीं, देखते हैं अपन सॉइल क्लासीफाई करनी तो आपको CU और CC की वैल्यू निकालनी है, तो CU की बात करें तो CU कितना होता है D60/T10, और अगर बात करें CC जो होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 into D10, D30 वैल्यू गिवन है आपको
जो आखिरी वैल्यू है वो है आपकी डी 60 की अपॉन में डी 10 जो गिवन है 0.23 डिवाइड करना है ऐसे का आंसर मिलेगा। सेम डी 30 की वैल्यू आपको गिवन है 0.3 का स्क्वायर करना डी 60 और डी 10 तो सी जी और सी सी की वैल्यू आएगी। अब देखना क्या है क्लासीफाई कैसे किया जाए। यदि सी यू की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 6 देयरफॉर द सॉइल इज वेल ग्रेन वेल ग्रेडेड सॉइल कहा जाता है अगर वैल्यू 6 से ज्यादा अगर सी यू की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहा जाता है। तो 6 से ज्यादा जी सैंड की बात कर रहा है सैंड ही है तो 6 से ज्यादा नीचे वैल्यू इसकी वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं आ रही 1.74 समथिंग ऐसी आ रही सॉल्व करके देखो इसकी वैल्यू 1.7 आ रही मतलब 6 से कम है ठीक है। सेकंड बात करें कि सी सी ये होता है 1 से लेके 3 के बीच मलाई करता है 1 से लेके 3 के बीच मलाई करेगा तो ये वैल्यू भी इसके अंदर लाई नहीं कर रही है तो क्या बोलेंगे सॉइल जो है पुअरली ग्रेडेड है। यदि वैल्यू इनके बीच में लाई कर जाती है तो अपन क्या बोल सकते हैं वेल ग्रेडेड सैंड बोल सकते हैं अगर नहीं है लाई करी तो वेल सॉइल के साथ पुअरली ग्रेडेड सॉइल एसपी का मतलब पुअरली ग्रेडेड सॉइल। अब आते हैं अपन तो आंसर है इसका बी ठीक है। सर वॉइस क्लियर नहीं है आ रही है आपकी सभी को आ रही है अब कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी सर्विसबिलिटी के अंदर कौन सा आता है तो इसमें फ्लोर वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो गया आपका ठीक है क्रैकिंग हो गया वाइब्रेशन हो गया सभी किसमें आते हैं आपके ये सर्विसबिलिटी के अंदर आते हैं। एक होता है कोलैप्स हो गया सर्विसबिलिटी तो इसमें आता है फ्लोर वाइब्रेशन ठीक है। ड्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन फ्लैट स्लैब ड्रॉप की बात कर रहा है ये आरसीसी क्वेश्चन है फ्लैट स्लैब के अंदर ड्रॉप्स ये कॉलम कैपिटल और ड्रॉप पैनल ये स्लैब है ये कॉलम कैपिटल है और ये ड्रॉप पैनल है ये प्रोवाइड कराते हैं ये शीयर रेस्ट करने के लिए तो आंसर जो है वो इसका सी है शीयर बिल्कुल हैकर आंसर जो है सी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट 79 पे 79 क्वेश्चन जो है वो आपका एफएम से क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है कि दो तरह की यूनिट्स होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी की तो पॉइस होती है आपकी पॉइस होती है स्टॉक्स होती है तो बात करें कि जो पॉइस होती है वो इसकी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है ठीक है। डी सी ऑप्शन है इसका 79 का सी 79 का सी नवीन पाल बिल्कुल सही है आंसर सी। अब फ्लैट प्लेट सेकंड 80 क्वेश्चन जो है वो वापिस आ गया आपका एफएम से एरिया गिवन है आपको फ्लैट प्लेट का वेलोसिटी गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू मीटर में है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू मेरी मीटर के अंदर है। व्हाट इज द पावर पूछ रहा है पावर रिक्वायर्ड ये आपका न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा तो डाटा उधर रह जाएगा तो यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बात करें फोर्स तो स्ट्रेस इंटू एरिया होगा और टॉ क्या होता है म्यू डी यू बाय डी वाई इंटू एरिया म्यू म्यू जो है वो आपका क्या है विस्कोसिटी की आपका विस्कोसिटी की वैल्यू है ये दे रखा है आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और ये जो आपकी डायनामिक विस्कोसिटी है तो यहाँ पे पुट करना है ये वैल्यू ठीक। यू जो है आपका वेलोसिटी है और वेलोसिटी आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है तो 0.2 कर दो इसको 0.2 ये मीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर कट जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा तो 0.2 यहाँ पे पुट कर देना है। डी वाई जो है वो आपका डिस्टेंस गिवन है डिस्टेंस जो फिक्स प्लेट दो प्लेट्स है ठीक है उनके दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस के 0.2 सेंटीमीटर मीटर में टेन और माइनस इस पूरी वैल्यू को मीटर में हो गई इस वैल्यू को पुट करना है और एरिया आपको मीटर स्क्वायर में गिवन ही है यहाँ से आपको क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा तो फोर्स आ गया तो उस फोर्स को क्या करोगे इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं अब फोर्स आ गया तो लास्ट स्टेप क्या करनी है आपको तो फोर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे वेलोसिटी से तो पावर आ जाएगी आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते पावर आ जाएगी तो इसका आंसर आएगा 0.042 21 आंसर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है कई बच्चों का 21 आंसर आ रहा है 0.42 ठीक है आ रहा है नहीं अगर 21 आंसर आ रहा है 21 आंसर कैसे आ रहा है क्योंकि आपने उस फोर्स तक निकाल के छोड़ दिया टॉ इंटू एरिया तो उसका आंसर यही इसका जब ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि आपका डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0.42 वॉट। आते 80 का आंसर है आपका डी 80 का डी आ गया सभी का। अब आते हैं पिटॉट स्टैटिक ट्यूब विद अ कोफिशिएंट ऑफ 0.98 यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ पाइप द स्टैग्नेशन प्रेशर रिकॉर्डेड इज 3 मीटर एंड द स्टैटिक प्रेशर इज 0.5 मीटर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है वो होता है CV अंडर रूट 2g h - h CV ये आपको दे रखा है 0.98 CV दे रखा है अंडर रूट 2g 9.81 h कितना है आपका तो इसको डेस्क पेज पे सॉल्व करते हैं 3 और पता सिंपल है 3 और 0.5 तो अब देखें अपन इसके अंदर 3 और 0.5 हाँ तो क्वेश्चन था आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है तो सी वी अंडर रूट
2G H माइनस H तो CV 0.98 देखना जो भी वैल्यू है रूट 2G G 9.81 और ये 3 माइनस 0.5 स्टैग्नेशन और स्टैटिक प्रेशर को माइनस कर देंगे यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वेलोसिटी की वो होगा आपका आंसर तो फार्मूला क्या है CV अंडर रूट 2G H माइनस H स्टैग्नेशन माइनस स्टैटिक हेड जो है आपकी वो और कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है G होता है आपका 9.81 तो यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा तो देखो क्या आएगा शायद 5.9 समथिंग आना चाहिए क्या रहा आंसर ए 7.2 ए आंसर आ रहा ठीक है तो इसका आंसर है 7.2 अ पंप स्टोरेज प्लांट इज अ पीक लोडेड प्लांट जो पंप स्टोरेज प्लांट होता है वो कैसा होता है पीक लोडेड प्लांट तो 82 का जो आंसर है वो आंसर नंबर सी पीक लोडेड प्लांट होता है तो अभी तक नहीं दिया किसी ने तो पंप स्टोरेज प्लांट को बोलते हैं पीक लोडेड प्लांट इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस ये सोम से क्वेश्चन आ गया और आसान सा क्वेश्चन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है EG और K वाली रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है तो सीधे चार पांच फॉर्मूले जो आपको याद रखने होते हैं तो 3K माइनस 2G और 6K प्लस 2G तो सी ऑप्शन है 3K माइनस 2G और 6K प्लस 2G रिलेशनशिप है बल्क मॉडुलस फोर्स ऑफ रिजिडिटी G और पॉइजन रेशियो के बीच में तो 3K माइनस 2G 6K प्लस 2G जयसवाल मनीष सी आंसर बिल्कुल सही है 3K माइनस 2G और 6K प्लस 2G होता है माइल्ड स्टील बार ये काफी अच्छा क्वेश्चन है सॉम से क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं माइल्ड स्टील बार सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टेपर्ड बार का ये नहीं है 40 mm है केवल ये क्या है आपका 40 mm और 20 mm डायमीटर है टेपर्ड बार है कुछ इस तरह से बार है ये है 40 है और ये 20 mm है टेपर्ड बार का डायमीटर जो लेंथ है वो 800 mm जो है इसकी लेंथ है और सब्जेक्टेड टू अ पुल जिन पे जो पुल लग रहा है वो पुल की वैल्यू कितनी है 20 kN 20 N^3 कर देना न्यूटन के अंदर आता है आपका वैल्यू ई की वैल्यू गिवन ही है अब करना क्या है कि यूनिफॉर्मली टेपरिंग बार के लिए सर्कुलर बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है 4PL/πE/d1/d2 बहुत अच्छा अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो ये क्वेश्चन क्या है काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बस इसको देखना था ये होता है 4PL/πE/d1/d2 ये होता है आपका डेल इलोंगेशन कितना हुआ तो 4P कितना था आपका 20 × 10^5 kN/N में कर दिया इनटू लेंथ 800 mm थी डिवाइडेड बाय पाई ई जो होता है कांस्टेंट 2 × 10^5 Nm² इनटू d1 40 और एक 20 था इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से जो आएगा डेल की वैल्यू वो mm के अंदर आएगी ठीक है तो जो भी आंसर आएगा यहां इस डेल का इसको सॉल्व करना याद कर रखना है कि ये जो वैल्यू है ये न्यूटन में लेनी है बाकी सभी चीजें एक मिसप्रिंट था 40 है वो 400 mm नहीं है ठीक है बाकी आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें जो आंसर आएगा आई थिंक 2/5π इसका जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करना वहां से आंसर आएगा 2/5π बी 84 का आंसर है सर 84 आंसर है क्या अर्जुन कुमावत 84 आंसर है क्या 2/5π आएगा इसका आंसर 4PL/πE/d1/d2 सॉल्व करोगे अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम ये जो क्वेश्चन है बीएमसी से क्वेश्चन पूछा गया है रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम इज कट आउट ऑफ सिलेंड्रिकल लॉग सिलेंड्रिकल लॉग उसमें से कट आउट किया है इसका डायमीटर है डी सिलेंड्रिकल लॉग जो कट आउट किया है इसका डायमीटर है आपका डी द डेप्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर बीम डेप्थ पूछ रहा है अगर डेप्थ पूछ रहा है तो √2/3 डेप्थ होती है विड्थ पूछेगा ठीक है जो था डेप्थ पूछेगा तो √2/3d तो बी आंसर है इसका तो ऐसे ही चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 86 ये टॉस से क्वेश्चन है और टॉस से क्या बेंडिंग मोमेंट है तो ये सोम से क्वेश्चन है सोम का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको कि ए बी और सी तीनों पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी मतलब मोमेंट एट ए मोमेंट एट बी और मोमेंट एट सी की वैल्यू निकालिए उससे पहले करना क्या है आपको रिएक्शन निकालनी है ये मैंने बोल दिया सपोज करो ये पी बोल दिया मैंने इसको ए बी तो सी तो लिखा हुआ है पी बोल दिया तो रिएक्शन जब निकाले तो हिंज पे क्या होगा मोमेंट जीरो कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करें यहाँ पे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको थोड़ा देखो आर आर पी इन टू यहाँ पे कितना 2.5 तो 7.5 ये हो गया क्लॉकवाइज ये हो गया एंटी माइनस का 4 × 5 माइनस का 4 × 2.5 तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगी आर ए कितना आएगा आर ए क्या आर पी आ जाएगा वो आपका 4 kN यहाँ से जो आंसर आएगा 4 kN आएगा
ये हो गया आपकी वैल्यू, सीधे लिख दें यहाँ पे 4 kN, ठीक है। अगर ये 4 आ गया तो आपको बात करना है कि बैलेंस करना है, तो यहाँ पे भी देखो RA प्लस RP प्लस RC बराबर क्या होगा, जो ऊपर से लोड आ रहा है 4 + 4 = 8 होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा आपका, ये भी 4 kN होगा, ठीक है। तभी तो RA प्लस RC RP प्लस RC इक्वल्स टू 4 + 4 = 8 हो गया। अब आते हैं कि मोमेंट निकालना है आपको, सबसे पहले A पॉइंट पे, तो 4 × 2.5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। सेकंड देखें, 4 × 5 माइनस 4 × 2.5, तो 20 - 10 = 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो गया। अब बात आती है कि सर ये दो तो निकल गए, तीसरा कैसे निकालें, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये है कंसेप्ट जो आपको देखना है। अब तो प्लस आएगा माइनस, तो देखते हैं कि ये जो मोमेंट है ये 4 × 2.5 हो गया, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है, तो माइनस का ये भी सेम डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो प्लस का MC is equal to 0, तो मोमेंट एट C कितना हो जाएगा, माइनस का 4 × 2.5, इट मींस कितना, माइनस का 10, माइनस का 10 किलो न्यूटन मीटर, तो ये है आपका C, बस यही कंसेप्ट, बाकी सिंपल थे सभी, तो ये निकालना आ गया आपको C, तो ये आंसर है B, 10 और माइनस का 10 किलोन्यूटन मीटर। कैविटेशन की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका FM से, कैविटेशन जब प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा तब कैविटेशन होता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो से फॉलोइंग कंडीशन क्रिएट की जाए, क्या किया जाए, वेलोसिटी हेड को रिड्यूस किया जाए, सिर्फ देखना है वेलोसिटी, अगर हेड रिड्यूस करोगे, वेलोसिटी हेड रिड्यूस करने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, अगर वेलोसिटी हेड रिड्यूस होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया अगर वेपर प्रेशर, कैविटेशन नहीं होगा, कैविटेशन कब होगा, नवीन पाल आंसर जो है वो बी है, बिल्कुल सही, रिड्यूसिंग द वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड को रिड्यूस करने पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ये कैसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अपन बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, बर्नौली थ्योरम यही बोलती है पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर टू प्लस जेड, ठीक है। यह है कैविटेशन का फिनोमेना, और कैविटेशन क्या होता है कि वेपर प्रेशर से अगर कम प्रेशर होता है कैविटेशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन, देखिएगा इसको। इट इज प्रपोज टू इंक्रीज दी डिस्चार्ज बाय 20% ऑफ अ सर्कुलर पाइप, डिस्चार्ज आपने इंक्रीज कर दिया कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, ऑयल इन अ लैमिनार रेजिम, लैमिनार रेजिम में लैमिनार फ्लो के अंदर फ्लो कर रहा है, इफ ऑल द फैक्टर्स रिमेंस अनचेंज, सभी फैक्टर अनचेंज है मतलब सभी कॉन्स्टेंट है, तो पावर कंजप्शन टू मेंटेन द मॉडिफाइड फ्लो रिलेटिव द ओरिजिनल फ्लो वुड इंक्रीज बाय, ओरिजिनल फ्लो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो जो बात करेंगे जो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, एच तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर होता है, और क्यू ना आपने इंक्रीज कर दिया 1.2, तो क्यू का स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर 144 मतलब 1.44, ये तो हो गया एच, और पी क्या होता है रो जी एच क्यू, जो होता है आपका पावर जो होता है रो जी एच क्यू, यहाँ से एच की वैल्यू बाकी सभी चीजें कॉन्स्टेंट है, एच की वैल्यू क्या 1.44, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 44% इंक्रीज हुआ, तो आंसर क्या है आपका सी, बी किसका आ रहा है, बी नहीं आंसर है, बी नवीन जयसवाल मनीष आंसर बी नहीं है, इसका जो आंसर है वो 44 है, क्योंकि एच जो होता है हेड डेंस होता है क्यू स्क्वायर के, और डिस्चार्ज कितना इंक्रीज हो गया 20%, 1.2 से इंक्रीज हो गया, स्क्वायर स्क्वायर किया तो 1.44, ठीक है, 1.44 मतलब अगर ये पावर जो है वो किसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है रो जी क्यू एच, यहाँ पे एच कितना 1.4 कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 1 से 44% इंक्रीज हुआ, इसका आंसर है 88 का। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, इन अ हाइड्रल सिस्टम इज प्रोवाइडेड एट द हाइड्रल सिस्टम में 4 वेव का प्रोवाइड करते हैं पावर चैनल टू द पेन स्टॉक, यहां पर डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है, ये भी एफएम से है, अ प्रेशर ग्रेडिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज इक्वल टू, प्रेशर ग्रेडिएंट जो है वो फ्लो के किस में डायरेक्शन होता है, शियर ग्रेडिएंट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो प्रेशर ग्रेडिएंट होता है वो शियर ग्रेडिएंट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, 90 का जो है वो आंसर क्या है, बी है आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपन 91 पे, 91 क्वेश्चन सोम से पूछा गया है, 91 क्वेश्चन मैक्सिमम स्ट्रेस, तो हम मैक्स की बात कर रहा है, सीधा फॉर्मूला सभी को पता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करना है। सिग्मा 1 कितना है आपका, मैंने बोला 2 है, ठीक है, माइनस का 2 बोल दो, माइनस 4 हो गया डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस टो ये जो लग रहा है शियर स्ट्रेस तो है ये 4 का स्क्वायर हो गया, का अंडर रूट कर दिया, ये क्या हो गया अंडर रूट, तो 2 + 4 = 6/2 = 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 3 × 9 4 × 4 = 16 इसका अंडर रूट 25 हो गया, और 25 का अंडर रूट कितना हो गया 5, तो आंसर क्या आएगा इसका 5, तो 91 का आंसर 5 हैकर बिल्कुल सही है, 91 का 5 है।
अब चलते अपन नेक्स्ट पे. नेक्स्ट जो है आपका 22 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल सच अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट. मूवमेंट लग रहा है किलोन्यूटन पर मीटर यूनिट लेंथ एज शोइंग द फिगर. बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पान. मिड स्पान में बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कितनी होगी. तो रिएक्शन कितनी होगी, यहाँ से जब निकालोगे तो एम आएगी रिएक्शन निकल के. सिंपल सा क्या सभी को पता ही होता है, फिर भी निकाल लेते हैं. तो आर ए इंटू एल माइनस एम इंटू एल इज इक्वल टू जीरो. तो आर ए क्या हो गया, एम निकल गया. ये आपकी वैल्यू होगी एम. ठीक है, ये हो गया आपकी वैल्यू एम. अब बात कर रहे हैं कि सेंटर पे मिड स्पान पूछा था एम इंटू एल बाय टू और ये एम इंटू एल बाय टू दोनों कैंसिल हो जाएगा. एक रिएक्शन इंटू एल बाय टू और जो मूवमेंट लग रहा है सेंटर पे ये भी कितना एम इंटू एल बाय टू. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो गए तो मतलब क्या आंसर जीरो आया. तो एक होगा 92 का. 92 का आंसर जो है ए है. जयसवाल मनीष बी नहीं है, ए है आंसर. जीरो हैकर सही, जीरो जीरो आंसर है. ठीक है, ए आंसर है इसका. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 93 द सिमेट्री ऑफ अ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन अ बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम. ये क्वेश्चन है आपका सोम से के. स्ट्रेस टेंसर जो होता है किसी भी एक पॉइंट पे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर किस पे डिपेंड होता है, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे डिपेंड होता है. आंसर जो है वो आपका सी है, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे डिपेंड होता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका शियर सेंटर ऑफ अ हाफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस आर कांस्टेंट थिकनेस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स. इसको सोल्व करना है, सोल्व करने पर आंसर इसको देखोगे तो 4r बाय ये f नहीं है, ये पाई है. ये जो वैल्यूज है सारी क्या है, पाई है. इसको सोल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका शियर सेंटर के ऊपर. तो 4r बाय पाई आंसर जो है वो आपका d है इसके अंदर. ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन है आपका मैकेनिक्स से. लिफ्ट ऑफ वेट w लिफ्टेड बाय अ रोप विद एन एसेलेरेशन, एसेलेरेशन जिसको f बोल दिया. ठीक है, The area of flexure of rope is A. Stress पूछ रहा है, stress कितना होगा, तो force निकालोगे. Stress क्या होता है, force upon में area. तो force निकालोगे, उसको area से divide कर देना. कैसे करना है ये अभी आपको बताते हैं. Weight W है, solve करते हैं इसको. ठीक है, इसको सॉल्व करें तो बोल रहा है कि ये W है इसका वेट और इसको एक्सीलरेशन A एक्सीलरेशन सा इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है. उस एक्सीलरेशन को उसने बोल दिया F. तो बताइए कि स्ट्रेस क्या होगा. स्ट्रेस होगा आपका पहला तो फोर्स निकालना, उसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका स्ट्रेस आएगा. तो T माइनस W को क्या लिख सकते, W हो गया या mg लिख दिया. W इज इक्वल्स टू M इंटू ए. ए की जगह क्या लिखोगे आप, इसको F लिख सकते हो. W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है. तो M को क्या लिख सकते हैं, W बाय g. तो क्या कर रहा है, यही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट. T माइनस W इज इक्वल टू M को W बाय g इंटू F. ये हो गया. तो T यहाँ से क्या निकल जाएगा, W प्लस W बाय g इंटू F. यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, W निकाल सकते हैं. T क्या हो गया, W 1 प्लस F बाय G, 1 प्लस F बाय G. ये आ गया, समझ में आया क्वेश्चन. कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको T फोर्स से वो ऊपर पुल कर रहा है, स्पेशल से बोल रहा है, उसने F बोल दिया. बस नाम चेंज कर A से उसको F बोल दिया, W पे डाउनलोड लगेगा. तो T माइनस W, T अपर W नीचे माइनस W बराबर एम ए होता है. और एम की जगह क्या W इक्वल टू एम जी, तो W बाय G M हो गया. W बाय G F, एक्सीलरेशन का एफ लिख रहा है और कुछ नहीं है, नोटेशन चेंज कर दिया. तो यहाँ से इसको उधर तरफ लेके चले गए, W प्लस W बाय G इंटू F. W कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस F बाय G, तो 1 प्लस F बाय G. ये तो हो गया आपका फोर्स. इसको जब डिवाइड करोगे एरिया से तो ये आंसर होगा आपका. देखिएगा वहां पे आंसर W 1 प्लस F बाय G डिवाइड बाय A. ठीक है, बिल्कुल आंसर है आपका 92 का. 95 का जो आंसर है वो आंसर नंबर A, W 1 प्लस F बाय G डिवाइड बाय A. पूछ रहा है स्ट्रेस, फोर्स नहीं पूछ रहा, नहीं तो सीधा अपन ये लिखते हैं अगर ये. ठीक है, नहीं तो ये हट जाता है. स्ट्रेस पूछा है तो ये भी इसके अंदर कंसिडर होगा. टेंशन मेंबर इफ सब्जेक्टेड टू द पॉसिबल रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड, रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड, ये होता है आपका 250. आंसर जो है आपका सी, शुड नॉट एक्सीड 250, सी ऑप्शन.
अब आते हैं अपन 97 पे, सरफेस टेंशन ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड पे सरफेस टेंशन नहीं होता है, जीरो होता है आइडियल फ्लूइड पे, ठीक है। आइडियल फ्लूइड कंडीशन होती है उसमें देखना सरफेस टेंशन लिखा होगा जीरो आइडियल फ्लूइड के केस में, ठीक है। रियल फ्लूइड में होता है, आइडियल फ्लूइड में नहीं होता कभी भी। द रेंज ऑफ फ्रॉड नंबर फ्रॉम द वीक जंप, वीक जंप के लिए 1.7 से 2.5 अलग अलग जंप होते हैं। अनस्टडी जंप होता है 250, डन, बिल्कुल सही है। अब बात है रेंज ऑफ फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर की रेंज पूछ रहा है, फ्रॉड नंबर की रेंज पूछ रहा है अलग अलग ऑसिलेटरी जंप के लिए, स्टडी जंप के लिए, ठीक है, अलग अलग होता है आपका, स्ट्रॉन्ग जंप के लिए, वीक जंप के लिए। वीक जंप के लिए था 1.7 से लेकर 2.5, ठीक है, ऐसे 1 से लेकर 1.7, 2.5 से लेकर 4 होता है, ऐसे बढ़ता है। 9 से मैक्सिमम को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जंप। ये बोल रहा है वीक जंप के लिए वैल्यू कितनी होगी 1.7 से 2.5 के, देखना वहां पे आपको समझ में आएगा। अब ये 99 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 इज यूज्ड फॉर पैलेट्स ऑटो कैड का, मतलब जनरल क्वेश्चन है ऑटो कैड का कि विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी पैलेट इन ऑटो कैड। प्रॉपर्टी पैलेट किस की से, कंट्रोल प्लस वन, प्लस वन की से अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खोल सकते हैं। जसवाल मनीष, बी, बी नहीं है इसका आंसर जो है वो कंट्रोल प्लस वन है। द UCS आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द, UCS आइकन जो रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई जेड सभी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये था आपका जो सॉल्यूशन जो कि आपने टेस्ट दिया था ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, 100 क्वेश्चन अपन ने डिटेल में डिस्कस किए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू आर फ्री टू कमेंट इन माई आवर कमेंट बॉक्स, और आगे हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।